अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर ओ लेवल केमिस्ट्री एटीपी सेशन। दिस विल बी सेशन नंबर 5, दिस विल बी सेशन नंबर 5 एंड मोस्ट लाइकली इसके बाद हमारे दो और सेशंस होंगे टू कंप्लीट द एटीपी डिस्कशन। ठीक है, मैक्सिमम दो हो सकता है कि नेक्स्ट सेशन लास्ट सेशन हो जाए एंड देन वी विल बी एबल टू कंप्लीटली सॉल्व द पास्ट पेपर्स। तो ओ लेवल केमिस्ट्री के एटीपी में वी आर डन विद फ्यू टॉपिक्स ऑलरेडी एंड बाकी रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हमारे चल रहे हैं। तो वी स्टार्टेड दिस विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस, सॉल्ट एनालिसिस एंड फ्लेम टेस्ट। एंड कल जब आपका ऑनलाइन पास्ट पेपर सेशन हुआ था तो आपने देखा कि सॉल्ट एनालिसिस या आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस के जो टेस्ट होते हैं ये आपके थ्योरी पेपर में भी आते हैं और इसी तरह एमसीक्यू में भी आते हैं, इसलिए इनको याद करना है। और अगर आपने पढ़ा है हमारे साथ तो ही आप उसको बेहतर तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ याद कर पाएंगे, क्योंकि तो जिस पैटर्न को हमने क्रैक किया वो पैटर्न आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाता है टू रिमेम्बर ऑल दीज थिंग्स। ठीक है जी। हाँ, एटीपी पेपर के अंदर आपको ये लिखा हुआ भी मिलेगा, लेकिन अगर याद होगा तो आप ज्यादा आसानी से कर सकेंगे। उसके बाद हम लोगों ने सॉल्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली थी। बेटा बेटा माइक्स बंद कीजिएगा अपने अपने। सॉल्ट प्रिपरेशन हमने बेटा स्टार्ट कर ली थी इसके बाद, और सॉल्ट प्रिपरेशन भी हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी कर चुके हैं। ऑल्दो के मैंने सॉल्ट प्रिपरेशन के टॉपिक को लास्ट क्लास में काफी लंबा कर दिया था, क्योंकि मैं आपको सॉल्ट और उसकी सॉलिबिलिटी वगैरह एडवाइस करने लगा था, क्योंकि सॉलिबिलिटी उसी वक्त ही तफसील से हो सकती है। तो अगर आप अपनी स्क्रीन को देखेंगे तो यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस को, कौन कौन सी गैसेस हैं, क्या उसको करना है, कैसे लिखना है। उसके बाद सॉल्ट एनालिसिस का पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट, कौन सा पार्ट कैसे डिटेक्ट होगा, कलर्ड सॉल्ट्स, कलरलेस सॉल्ट्स, ठीक है जी, ये सारी बातें। उसके नेगेटिव आइन को कैसे डिटेक्ट करेंगे, उसके टेस्ट क्या होंगे, फिर फ्लेम टेस्ट कैसे करेंगे और कौन कौन से फ्लेम टेस्ट हैं, और फिर सॉल्ट का टॉपिक शुरू होता है जिसमें सॉलिबिलिटी पहले आ गया था जो आपने थ्योरी के साथ भी पढ़ा, और उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट जिसमें हमने सीखा कि जो इनसॉल्युबल सॉल्ट है उसको बनाने के लिए सिर्फ प्रेसिपिटेशन मेथड यूज होता है, जिसमें आप रेसिपी फॉलो करते हैं, सॉल्युबल प्लस सॉल्युबल गिव्स यू इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल कंपाउंड। हाउएवर द सेकंड टू जो सॉल्युबल सॉल्ट है उनको बनाने के लिए यू हैव टू ऑप्शंस, क्रिस्टलाइजेशन एंड टाइट्रेशन। कौन से सॉल्ट्स के लिए क्रिस्टलाइजेशन इस्तेमाल होगी? सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम के जो सॉल्ट्स हैं उनके अलावा जितने भी सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं उनके लिए क्रिस्टलाइजेशन यूज की जाती है। उसके बाद फिर मैंने आपको इनसॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन ना सिर्फ समझाई थी बल्कि एग्जाम के फॉर्मेट में कैसे लिखना है ये लिखना भी समझाया था। और असल इसमें गेम ये है कि जब आपको सॉल्ट दिया जाए सबसे पहले यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल, एंड वंस यू रीच टू द कंक्लूजन ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है देन यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट रिएजेंट शुड बी यूज टू प्रिपेयर दैट सॉल्ट अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो मैंने उसको तुम्हें ट्रिक में बताया था दैट पॉजिटिव पार्ट को हमेशा किसके साथ ले लोगे बेटा? नाइट्रेट के साथ। और नेगेटिव पार्ट को किसके साथ लोगे? या तो सोडियम के साथ, या पोटेशियम के साथ, या अमोनियम के साथ, या हाइड्रोजन के साथ। ठीक है ना, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके थे यहाँ पर। और उसके बाद उसी बेसिस पर आप रिएजेंट डिसाइड करते हो। मैंने मल्टीपल एग्जांपल्स भी दी थी बेटा कि AgCl बनाना है तो कौन से रिएजेंट होंगे, कौन-कौन से रिएजेंट होंगे, सारी बातें हम ऑलरेडी आपके साथ कर चुके थे। उसके बाद फिर सॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन आ गई थी, और फिर से दोबारा से आपके सामने ये आइडिया रिपीट हुआ था कि सॉल्युबल सॉल्ट को बनाने के लिए टाइट्रेशन भी यूज कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन कैसे करते हैं ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि और उसके लिए मेथड। इसमें शॉर्टकट क्या था? इसमें शॉर्टकट ये था कि भाई आप अगर क्रिस्टलाइजेशन करने जा रहे हैं तो आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं, तीनों ऑप्शंस में एसिड कॉमन है, एसिड के साथ मेटल ले सकते थे, एसिड के साथ बेस ले सकते थे, एसिड के साथ कार्बोनेट ले सकते थे। ऑल्दो के मेरा रिकमेंडेशन ये था कि आप एसिड के साथ कार्बोनेट ले लें। अब कैसे ले लें? मसलन आपको जिंक सल्फेट बनाना है तो मैंने आपको बताया था जो पहला पार्ट है वो आप कार्बोनेट के साथ ले लें और दूसरा पार्ट जो है वो एसिड के साथ, एच के साथ ले लें, तो ये एसिड प्लस कार्बोनेट बन जाएगा। जैसे यहाँ पर पहला पार्ट जो है वो कार्बोनेट के साथ ले लें और दूसरा पार्ट एसिड के साथ ले लें तो ये आपके पास रिएजेंट्स आ जाएंगे। और फिर इसका जो वर्क फ्लो था वो भी हमने लास्ट क्लास में समझा था, पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर किस चीज का ख्याल रखेंगे, कार्बोनेट हमेशा एक्सेस में क्यों डालेंगे, ये सारी बातें हम पिछली क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करें तो आज का पहला टॉपिक हमारा क्या होगा? टाइट्रेशन।
आज का पहला टॉपिक क्या बनेगा बेटा? टाइट्रेशन, कि आप सॉल्ट्स को टाइट्रेशन से कैसे बनाते हैं। अब मुझे जल्दी से जवाब दे दीजिए, टाइट्रेशन से कौन से सॉल्ट्स को बनाया जाता है बेटा? विच सॉल्ट्स आर सोडियम, प्रिपेयर बाय टाइट्रेशन? शाबाश, सोडियम। बोलो, अमोनियम एंड सोडियम सोडियम पोटासियम अमोनियम एंड अमोनियम, वो सॉल्युबल सॉल्ट जो सोडियम का सॉल्ट हो या पोटेशियम का सॉल्ट हो या अमोनियम का सॉल्ट हो, दीज सॉल्ट आर प्रिपेयर्ड बाय टाइट्रेशन। इंशरा, डू यू अग्री विद दैट? इंशरा खान, अरहम वाहिदी, मुस्तफा अरशद, डू वी नो दैट? क्योंकि ये कई बार ये कॉन्सेप्ट रिपीट हो चुका कि जो सॉल्युबल सॉल्ट होंगे वो या तो क्रिस्टलाइजेशन से बनेंगे या टाइट्रेशन से। बट टाइट्रेशन कौन से सॉल्ट के लिए यूज होगी बेटा? बोले, सोडियम के सॉल्ट के लिए, पोटेशियम के सॉल्ट के लिए या अमोनियम के सॉल्ट के लिए? अब एक सवाल पैदा होता है, वो सवाल क्या? वो सवाल ये है कि जब ये भी सॉल्युबल सॉल्ट है, ये भी सॉल्युबल सॉल्ट है, तो भाई इनके लिए भी ये वाला मेथड क्यों नहीं फॉलो हो रहा? ये सवाल एक अच्छे बच्चे के दिमाग में पैदा होगा कि सर अगर मिसाल के तौर पर मैं चलो इस पेज पर आ जाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई सॉल्युबल सॉल्ट है, सॉल्युबल सॉल्ट। ये सवाल को समझना बेटा, ताकि बाद में तुम्हें कंफ्यूजन हो। अगर एक सॉल्ट सॉल्युबल है तो अगर वो कॉपर सल्फेट है और अगर वो सोडियम सल्फेट है, सर ने क्या पढ़ाया, हमने क्या सीखा अब तक कि भाई अगर वो कॉपर का सॉल्ट है, सॉल्युबल, ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट काबा पप्पू, और काबा पप्पू में कॉपर नहीं आता, इसलिए भाई इसके लिए कौन सा मेथड फॉलो होगा? क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें हमारे पास कितने ऑप्शन है बेटा? या तो हम एसिड को मेटल से रिएक्ट कराते थे, या एसिड को, बोलो बेटा, बोलने से याद होगा, बे के बेस से साथ रिएक्ट कराते थे, या एसिड को मेटल के कार्बोनेट कार्बोनेट से रिएक्ट कराते थे, ठीक है? और यहां पर क्या बताया था सर ने कि एसिड के साथ जो दूसरी चीज होगी उसे एक्सेस में रखेंगे, यस और नो? चाहे बेस लें, चाहे कार्बोनेट लें या मेटल लें, उसे हमेशा किस में रखेंगे? एक्सेस में। ये लॉजिक में ऑलरेडी पिछली क्लास में समझा चुका हूं। अब सोडियम सल्फेट में यही मेथड क्यों नहीं फॉलो हो सकता? बड़ा सिंपल सा आंसर बेटा, किसी बच्चे ने जवाब दिया और जब मैं पढ़ा रहा था तब भी आपको ये बात थोड़ी सी पहले मैंने बताई थी, दोबारा रिपीट करता हूँ। देखो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर हमारे पास तरीकेकार क्या है, यहाँ पर तरीकेकार ये है कि हम एसिड को या तो बेस से रिएक्ट कराएंगे या एसिड को रिएक्ट कराएंगे कार्बोनेट से। तो अगर आप गौर से देखें तो यार ये बेस वाला मेथड यहाँ भी था और यहाँ भी आ रहा है, और कार्बोनेट वाला मेथड यहां भी था और यहां भी आ रहा है, ठीक है ना? तो फिर सवाल ये कि सर इसको क्रिस्टलाइजेशन क्यों नहीं कह रहे बेटा? इसकी वजह क्या है मुझे बताओ। सोडियम पोटेशियम या अमोनियम, सोडियम का सॉल्ट हो, पोटेशियम का सॉल्ट हो या अमोनियम का सॉल्ट हो, बेटा ये सॉल्युबल होते हैं इनके कंपाउंड या इनसॉल्युबल होते हैं? जल्दी से बताइए, इनके कंपाउंड सॉल्युबल सॉल्युबल होते हैं कि इनसॉल्युबल होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? सॉल्युबल। तो एक मिनट जरा समझिएगा इसकी लॉजिक को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ Na2SO4 बनाए और मैं आपसे कहता हूँ रिएजेंट बताएं, तो रिएजेंट में एक होगा एसिड और एक होगा बेस। एसिड किसके साथ लेते हैं, एच किसके साथ लेते हैं हम? नेगेटिव पार्ट के साथ। तो एसिड कौन सा बनेगा इसको बनाने के लिए एसिड बेटा? SO4 H2SO4। और सोडियम के साथ हम क्या ले लेंगे बेटा? या तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड ले लेंगे बेस, या सोडियम का कार्बोनेट ले लेंगे। अब चाहे मैं सोडियम का हाइड्रोक्साइड लूं या चाहे मैं सोडियम का कार्बोनेट लूं, ये सॉल्युबल होगा इनसॉल्युबल होगा बेटा? सॉल्युबल सॉल्युबल होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सॉल्युबल भी होते हैं और जालिम के ये कलरलेस भी होते हैं। ये कंपाउंड सिर्फ सॉल्युबल नहीं होते, ये कंपाउंड कलरलेस भी होते हैं। तो देखो जैसे यहां पर आप बात कर रहे थे, जब आप एसिड को मेटल से रिएक्ट कराते हैं, एसिड को बेस से, तो ये वाले कंपाउंड इनसॉल्युबल होते हैं, और इनसॉल्युबल होने की वजह से आपको नजर आ रहा होता है, जब एक्सेस में भी जाता है तो आपको नजर आ रहा होता है कि यार ये एक्सेस में चला गया। या तो डायग्राम में हमने सिखाया था ना कि जब कार्बोनेट हम डालेंगे तो जो एक्सेस कार्बोनेट होगा वो हमें नजर आएगा, फिर हम इसे फिल्टर करके अलग कर लेंगे। लेकिन यहाँ की सिचुएशन को समझना यूसुफ बलोच, कि जब आप सोडियम पोटेशियम या अमोनियम का कोई सॉल्ट बना रहे होते हैं तो प्रॉब्लम ये होता है कि दोनों के दोनों कंपाउंड कलरलेस और सॉल्युबल होते हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, या रिएक्शन कंप्लीट कब हुआ? ये ऐसा कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें कोई गैस भी नहीं बन रही, कुछ भी ऑब्जर्वेशन नहीं हो रही, सॉल्युबिलिटी है। तो चूंकि इसके अंदर कोई डिस्टिंक्टिव ऑब्जर्वेशन नहीं होती, कलरलेस कंपाउंड होते हैं, इसलिए वी प्रेफर टू गो विद टाइट्रेशन। टाइट्रेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हम इन कलरलेस कंपाउंड्स का रिएक्शन कराकर भी ये पता कर सकते हैं कि रिएक्शन हुआ, कब कंप्लीट हुआ, और जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम इस चीज को फिर
यूज कर लेंगे सॉल्ट को प्रिपेयर करने के लिए। अगर आप इतनी लॉजिक नहीं समझ सकते तो जस्ट कीप इट वेरी सिंपल। आपको ये पता होना चाहिए, सारे बच्चे जो मेरी क्लास में मौजूद है सबको इस बात पे श्योरिटी होनी चाहिए कि सॉल्युबल सॉल्ट, अब्दुल शकूर मेमन, सॉल्युबल सॉल्ट बनाने के दो तरीके, क्रिस्टलाइजेशन और टाइट्रेशन। टाइट्रेशन इज यूज फॉर सोडियम पोटेशियम एंड अमोनियम सॉल्ट। अगर आपको लॉजिक नहीं भी पता तब भी आपको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि इसके लिए टाइट्रेशन इस्तेमाल होगी। अब टाइट्रेशन चूंकि यूजुअली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड होता है तो डायग्राम बनाने में टाइम ज्यादा जाया हो, तो मैंने इसलिए इंटरनेट से डायग्राम ऑलरेडी निकाल लिए ताकि मैं इंस्ट्रूमेंट्स के नाम भी आपको बता सकूं और सेटअप का विजुअल भी आपको समझा सकूं, फिर आपको मेथड भी लिखवाता हूं। ठीक है जी, तो ये बात पे सब अग्री करते हैं कि इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है प्रेसिपिटेशन से, जिसमें आप दो सॉल्युबल चीजों को मिक्स करते हैं, पॉजिटिव के साथ नाइट्रेट लेते हैं, नेगेटिव के साथ सोडियम पोटेशियम या अमोनियम या हाइड्रोजन लेते हैं। सॉल्युबल सॉल्ट पे आ जाए तो सॉल्युबल सॉल्ट को आप प्रिपेयर करते हैं क्रिस्टलाइजेशन और टाइट्रेशन से। क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, और अब टाइट्रेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा टाइट्रेशन के लिए सबसे पहले बेसिक सेटअप देख लीजिए। टाइट्रेशन में आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये आपके पास एक स्टैंड, दिस इज कॉल्ड आयरन स्टैंड। ठीक है, ये एक आयरन स्टैंड होता है। इस आयरन स्टैंड पर अब इमेजिन करना, डायग्राम में बह मत जाना, जो मैं समझा रहा हूँ उस पार्ट को समझना मेरे बच्चे। आपके पास दो केमिकल है, फॉर एग्जाम्पल मान के चले कि आप सोडियम सल्फेट बना रहे हैं, मान के चले आपको सोडियम सल्फेट बनाना है, तो मुझे बताएं आप सारे एग्री करते हैं कि सॉल्ट को बनाने के लिए हमें टाइट्रेशन करनी पड़ेगी, यस और नो? यूसुफ, अरहम, जर्रार, अब्दुल वली, जारिश, परिया, पराचा, क्या इस सॉल्ट को बनाने के लिए हमें टाइट्रेशन करनी पड़ेगी? डू वी ऑल एग्री ऑन दैट पॉइंट? ठीक है, अच्छा जी, अब कौन से कंपाउंड लेंगे इसको बनाने के लिए, जल्दी बताओ बेटा। एनए के साथ क्या ले लेंगे? OH, और इसके साथ क्या ले लेंगे? H2SO4। ठीक है, इसके लिए मैं शॉर्टकट दे देता हूं, HOH मेथड। इसके लिए शॉर्टकट क्या है? HOH मेथड। HOH मेथड का मतलब क्या है? जब आप टाइट्रेशन कर रहे हैं तो कौन से रिएजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं? ताहा, फरीहा। आपने पहला वाला पार्ट OH के साथ ले लेना है, दूसरा वाला पार्ट आपने ले लेना है H के साथ। बस रिएजेंट तैयार हो जाएंगे। देखो सोडियम के साथ मैंने OH लगा दिया और सल्फेट के साथ H। अगर मैं इसी जगह आपसे कहता कि भाई बताइए अमोनियम क्लोराइड बनाना है, कैसे बनाऊं, तो आप क्या करते बेटा बोलो? पहले वाले के साथ क्या ले लेते? अच्छा OH, और इसके साथ क्या ले लेते? H। मैं आपसे कहता ये इसका ट्रिक है, टाइट्रेशन में कौन सा मेथड फॉलो हो जाता है, टाइट्रेशन में रिएजेंट कैसे डिसाइड करोगे? HOH मेथड से। आप एक कंपाउंड के साथ लगा दोगे H और एक को साथ लगा दोगे OH, पता चल जाएगा। मैं आपसे कहता मुझे बताओ KNO3 बनाना है, पोटेशियम नाइट्रेट बनाना है, हाँ कर सकते हैं, बट टाइट्रेशन के लिए यूजुअली HOH मेथड ही फॉलो करें। एक पे स्टिक करें तो आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। कार्बोनेट वाले में असल में होता है कि रिएक्शन बहुत विगरस होता है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो अब इसके लिए क्या लेंगे बताओ? और सारे बच्चों का जवाब आना चाहिए। पोटेशियम के साथ क्या ले लेंगे? स्माइल, OH, और इसके साथ क्या ले लेंगे? H। तो रिएजेंट बताना कोई मुश्किल तो नहीं है बेटा? राफिया जावेद, शामिर अली, मुस्तफा अरशद, इस्माइल जया, मनाहल नबीहा, सलमान, बिलाल, जारिश, जोहा अंजुम। टाइट्रेशन, सबसे पहले मैं सवाल पूछूंगा, दिमाग में जवाब आ रहा है तो यस और नो करना। सबसे पहले क्या तुम्हें पता है कि कौन से सॉल्ट्स को बनाएंगे टाइट्रेशन से? ठीक है, क्या हमें यह पता है कि टाइट्रेशन करने के लिए जो रिएजेंट सिलेक्ट किए जाते हैं उसका जुगाड़ HOH मेथड है? जी, सारा, ताहा, हारिस, जुनैरा, नेहा, आदिल, अरहम वाहिदी, यस बेहतरीन हो गया। तो रिएजेंट तक का तो मसला हल हो गया। अब बेटा जब दो रिएजेंट्स हैं, देखो आपके पास एक सब्सटेंस ए है एक सब्सटेंस बी है, तो आपके पास दो सेटअप होते हैं। एक ये कहलाता है कॉनिकल फ्लास्क, इसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी कहते हैं, और एक कहलाता है ब्यूरेट। ये है ब्यूरेट। ठीक है जी, तो आप एक केमिकल इसमें लेंगे कॉनिकल फ्लास्क में और एक केमिकल ब्यूरेट में लेंगे। ब्यूरेट याद रखना बेटा मोस्ट एक्यूरेट, ये बहुत ज्यादा रिच इंफॉर्मेशन है जो आप यहां सीख रहे हो। ब्यूरेट मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होता है टू मेजर वॉल्यूम। ब्यूरेट मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होता है टू मेजर वॉल्यूम। अगर आप कोई भी वॉल्यूम मेजर करना है तो उसके लिए सबसे एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट ब्यूरेट होता है। तो आप ब्यूरेट, एक लंबी सी ट्यूब होती है जिसमें आप देखो ग्रेजुएशंस बनी हुई है, इसमें रीडिंग्स लिखी होती हैं। तो आप क्या करते हो, एक केमिकल ब्यूरेट में डाल लेते हो, मर्जी है आपका, कोई एक केमिकल ब्यूरेट में डाल लोगे, पूरा ब्यूरेट को भर लोगे। यूजुअली ब्यूरेट 50 cm³ की होती है टोटल,
तो यहां से पूरा आप ब्यूरेट को टोटल भर लोगे। और ये जो केमिकल यहां डालना है ना बेटा, ये समझो ये केमिकल का वॉल्यूम फिक्स होता है। दिस केमिकल ऑलवेज हैज अ वॉल्यूम ऑफ 25 cm³, और इस 25 cm³ के वॉल्यूम को आप इस इंस्ट्रूमेंट से निकालते हो। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है बेटा? दिस इंस्ट्रूमेंट इज पिपेट। दिस इंस्ट्रूमेंट इज, बोलो भाई, पिपेट। इंस्ट्रूमेंट कौन सा है भाई? पिपेट है, पिपेट। ये इंस्ट्रूमेंट पिपेट है, जिसके ऊपर ये देखो लिखा हुआ है वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। ये इसके ऊपर सेफ्टी के लिए बल्ब लगा होता है, इसको आप प्रेस करते हो तो सक्शन क्रिएट होता है। सक्शन क्रिएट होने की वजह से अंदर से लिक्विड आप इसमें से बाहर निकाल सकते हो। तो समझना ये कि अगर मैं सेटअप को थोड़ा क्लैरिटी से समझाऊं और अपने हिसाब से दोबारा चीजें लिखूं, तो इमेजिन करो ये कैसे हो रहा है। आप लैब में खड़े हो और आपको टाइट्रेशन करनी है। रिएजेंट वाली कहानी आपको समझ में आ गई उम्मीद है, अब टाइट्रेशन की कहानी को अच्छे से समझ लो पहले। तो हम रिएजेंट बस इमेजिन कर लेते हैं कि हमें सोडियम सल्फेट बनाना है। तो सोडियम सल्फेट बनाने के लिए हम ले लेंगे Na के साथ OH और SO4 के साथ H, ये दो रिएजेंट हम मिक्स करेंगे। अब इनमें से कोई एक रिएजेंट किसमें होगा बेटा, बोलो? इनमें से कोई एक रिएजेंट किसमें डालेंगे? ब्यूरेट में, बोलो बेटा। एक रिएजेंट किसमें डाल देंगे? ब्यूरेट में। और ठीक दूसरा किसमें डाल देंगे? दूसरा किसमें डालेंगे? फ्लास्क में। मान है लीजिए कि इसको हमने डाल दिया फ्लास्क में और इसको हमने डाला ब्यूरेट में। अच्छा जी, अब फ्लास्क में जो केमिकल जाता है, यानी इसमें जो केमिकल जाता है, उसका वॉल्यूम कितना होता है बेटा? फिक्स होता है। हमेशा याद रखेंगे, फ्लास्क में जो चीज जाती है उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। जो हम किसकी मदद से लेते हैं? लेते हैं पिपेट की मदद से। यानी आप समझे कि एक कंटेनर है, इसमें पड़ा हुआ है बहुत सारा NaOH। मैं क्या करूंगा, इस पिपेट को मैं इसके अंदर डालूंगा, डिप करूंगा, और यहां जो सक्शन पंप लगा हुआ है, इस सक्शन पंप से मैं इसको कंप्रेस करके यहां पर 25 cm³ भरूंगा, और भरने के बाद यहां लाके डाल दूंगा। इज दैट क्लियर? मैं इस विजुअल को दिमाग में रटवाना चाह रहा हूं। एक केमिकल कहां गया, बोलना मुस्तफा अरशद, इंशरा खान, एक केमिकल कहां गया? ब्यूरेट में। ठीक है जी, कौन सा केमिकल ब्यूरेट में जाएगा? कोई इसमें शर्त नहीं है, एग्जामिनर आपको बता दे तो उसी हिसाब से कर ले। तो ब्यूरेट में एक केमिकल जाएगा। ब्यूरेट में जो केमिकल गया उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, ब्यूरेट को आपने पूरा भर देना है। और दूसरा केमिकल जो फ्लास्क में जाता है, उसको उसका वॉल्यूम हमेशा फिक्स होता है, दैट इज 25 cm³। जो किसकी मदद से डालते हैं हम, बोलो बेटा, किसकी पिपेट मदद से डालते हैं बच्चों? पिपेट की मदद से। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? प्लीज रिस्पॉन्ड, प्लीज रिस्पॉन्ड। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? यस सर यस सर चल, अब इमेजिन करें, एक केमिकल आपके पास फ्लास्क में आ गया, एक केमिकल आपके पास ब्यूरेट में आ गया। अब अभी तक आपने दोनों को मिक्स नहीं किया है, मिक्स करेंगे तो रिएक्शन शुरू हो जाएगा। बेटा इससे पहले कि मिक्स करें, इससे पहले कि हम मिक्स करें, हम इसमें क्या डालते हैं? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, अब इसके अंदर क्या डालता है, जो आप एसिड बेस में पढ़ चुके हैं, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर, इसमें एक से दो ड्रॉप इंडिकेटर के डालते हैं। क्यों डालते हैं बेटा? देखो जैसा कि मैंने बताया कि इस रिएक्शन में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होती, तो इंडिकेटर का काम क्या होता है? कल भी पास पेपर कराते हुए आया था, इंडिकेटर इंडिकेट्स एंड पॉइंट ऑफ अ रिएक्शन बाय गिविंग कलर चेंज। इंडिकेटर क्या करता है बेटा, जब दोनों चीजों को आप मिक्स करेंगे, समझना बेटा, जब दोनों चीजों को आप मिक्स करेंगे तो जाहिर है उनमें रिएक्शन होगा, लेकिन रिएक्शन में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होगी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन कब खत्म हो रहा है? तो बेटा इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए, इससे पहले कि हम सोल्यूशन में को दोनों को आपस में मिक्स करें, हम इसमें इंडिकेटर डाल देते हैं, एक से दो ड्रॉप। अब इंडिकेटर डालने के बाद ज्यादा नहीं डालेंगे, ज्यादा डालेंगे तो ये वॉल्यूम 25 cm³ रहेगा, चेंज हो जाएगा। अगर मैं ज्यादा इंडिकेटर डालूंगा तो ये वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। एग्जामिनर सवाल पूछेगा कि अगर ज्यादा इंडिकेटर डाल दिया तो अच्छा है कि बुरा है? तो बेटा बुरा है। क्यों बुरा है यूसुफ? क्योंकि जो आपका वॉल्यूम होता है फ्लास्क का, वो फिक्स होता है 25 cm³। अगर आप ज्यादा इंडिकेटर डालोगे तो ये वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। क्लियर है बेटा? राफिया, इंशरा खान, मनाहल कुरैशी, इज दैट क्लियर बेटा? अब मुझे बताओ, आर वी रेडी टू परफॉर्म द रिएक्शन नाउ? आर वी रेडी? हमने इंडिकेटर डाल दिया, एक बार रिपीट कर दो। फ्लास्क में सब्सटेंस गया कितने वॉल्यूम के साथ? 25 cm³ के साथ, जो आपने डाला पिपेट के थ्रू। दूसरा केमिकल गया बेटा ब्यूरेट के अंदर, दूसरा केमिकल गया ब्यूरेट के अंदर। दोनों सोल्यूशन को मिक्स करने से पहले आपने फ्यू ड्रॉप इंडिकेटर डाल दिए, ज्यादा डालेंगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, इसलिए ज्यादा
नहीं डाल। अब मेरे बच्चे जब आप, अब क्या करोगे, ये देखो ब्यूरेट, ये ब्यूरेट पे लगा हुआ है कॉर्क, ये ब्यूरेट पे लगा हुआ है टैप, ढक्कन लगा हुआ है, अब आप ढक्कन सॉरी टैप लगा हुआ है, नलका लगा हुआ है, अब आप इससे क्या करोगे मेरे बच्चे, इसे इसको ओपन अप करोगे, जब ओपन अप करोगे तो ये जो केमिकल होगा, मान लीजिए केमिकल ए है और ये केमिकल बी है, तो केमिकल ए केमिकल बी में मिक्स होना शुरू होगा, और जैसे ही मिक्स होंगे रिएक्शन शुरू हो जाएगा। अब आप इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराते जाओगे, गिराते जाओगे, गिराते जाओगे, कब तक गिराते जाओगे, जब तक के इंडिकेटर कलर चेंज ना दे दे। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने इसके अंदर मिथाइल ऑरेंज डाला है, फॉर एग्जाम्पल तुमने इसके अंदर मिथाइल ऑरेंज डाला, तो मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज क्या होता है, रेड टू येलो। तो इमेजिन कीजिए कि जैसे ही कलर चेंज हुआ, आप ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्यूरेट पे से केमिकल गिराते जा रहे हैं, गिराते जा रहे हैं, गिराते जा रहे हैं, गिराते जा रहे हैं, जैसे ही बेटा, जैसे ही अंदर जो कलर है वो चेंज होगा रजारेश, आप फौरन से क्या करोगे, इस कॉर्क को दोबारा से टाइट कर दोगे, इस कॉर्क को दोबारा से टाइट कर दोगे। अब जब आप गिरा रहे थे केमिकल, तो हो सकता है गिरते 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 करते इतनी ट्यूब क्या हो गई हो बेटा, खाली हो गई हो, इतनी ट्यूब क्या हो गई हो, खाली हो गई हो। अब आप नोट करोगे यहां पर कि कितना वॉल्यूम इस्तेमाल हुआ, नोट वॉल्यूम रीडिंग। अब आप क्या करोगे बेटा, वॉल्यूम की रीडिंग को नोट करोगे, क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 50 था और ये 0.0 था, और मान लीजिए कि अभी रीडिंग है 35, तो कितना वॉल्यूम चला गया, अगर शुरू में आपने 50 पे भरा हुआ था और अब जो है जैसी कलर चेंज आया तो रीडिंग है 35, तो कितना वॉल्यूम इस्तेमाल हुआ सब्सटेंस ए का, बताओ भाई, सब्सटेंस ए का कितना वॉल्यूम इस्तेमाल हुआ बच्चों, सबका जवाब चाहिए मुझे, 15। 15 15 ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, बच्चों समझना, इसका मतलब ये हुआ कि सब्सटेंस ए को सब्सटेंस बी से रिएक्ट करने के लिए कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, 15 cm³।15 जैसे ही 15 cm³ का वॉल्यूम पूरा होगा, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, डू यू ऑल अग्री ऑन दैट पॉइंट, जैसे ही 15 cm³ का वॉल्यूम पूरा होगा, रिएक्शन पूरा हो जाएगा। यहां पर क्यूब है और हमें कलर चेंज से पता चला कि सब्सटेंस ए का 15 cm³ इज इनफ टू रिएक्ट विद 25 cm³ ऑफ बी। क्या यहां तक बात समझ आती है, टाइट्रेशन अभी खत्म नहीं हुई, क्या यहां तक बात समझ आती है बेटा, फिर यस सर से रिपीट करो। सबसे पहले क्या किया हमने, एक अदद फ्लास्क ली, फ्लास्क में केमिकल डाला पिपेट के थ्रू 25 cm³, फिर ब्यूरेट ली, ब्यूरेट में हमने दूसरा केमिकल डाला, पूरा भर दिया ब्यूरेट को, और ब्यूरेट को सस्पेंड कर दिया आयरन स्टैंड पे। उसके बाद दोनों सोल्यूशन को मिक्स करने से पहले हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर डाले, कहाँ, ब्यूरेट में डाले फ्लास्क में डाले, जी बच्चों ब्यूरेट में डाले फ्लास्क में डाले, शर्जील यार अबीर इस्माइल फ्लास्क में, और फ्लास्क में डालने के बाद ब्यूरेट को के टैप को ओपन किया और ब्यूरेट के केमिकल को फ्लास्क में मिक्स होने दिया, रिएक्शन शुरू हो गया। कब तक टैप खोल के रखेंगे, जब तक इंडिकेटर क्या ना दे दे बेटा कलर चेंज, जैसे ही कलर चेंज आया फौरन से टैप बंद करके क्या नोट कर लिया, वॉल्यूम। अब जब वॉल्यूम नोट कर लिया, जब वॉल्यूम नोट कर लिया, अब मुझे बताओ जब सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी ने रिएक्ट किया होगा तो यहाँ क्या बना होगा, सॉल्ट और वाटर बना होगा, यस और नो भाई, एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं ना, ये एसिड है ये बेस है, तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर, तो डू यू ऑल अग्री कि जब ये रिएक्शन हुआ होगा इसमें सॉल्ट और वाटर बना है, यस और नो, यस सर यस सर सॉल्ट और वाटर के साथ क्या इस कंटेनर में अभी इंडिकेटर भी है, जो इंडिकेटर हमने डाला था उसके भी फ्यू ड्रॉप्स मौजूद हैं, इंशरा खान अरम बाहरी, यस ओके। तो अब प्रॉब्लम क्या है, देखो जब सॉल्ट और वाटर बन गया, पानी को मैं गर्म करके उड़ा दूं तो सॉल्ट बच जाएगा ना पीछे, अगर मैं पानी को गर्म करके उड़ा दूं सारा इवेपोरेट कर दूं तो पीछे सॉल्ट मिल जाएगा मुझे, यस और नो, यस लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अभी हमारे पास क्या मौजूद है, इंडिकेटर, सोल्यूशन में इंडिकेटर भी मौजूद है, इसका मतलब है मैं डायरेक्टली सॉल्ट को उड़ाऊंगा तो इंडिकेटर भी इसके साथ मिक्स हो जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, लिसन वेरी केयरफुली, मैंने ये पता कर लिया, समझना, मैंने ये एक बार इंडिकेटर की प्रेजेंस में पता कर लिया कि इसका वॉल्यूम सब्सटेंस ए का कितना लगेगा मुझे, 15 cm³। अब मैं सारी ट्यूब खाली कर दूंगा बेटा, इस ट्यूब को दोबारा फिल करूंगा, इस ट्यूब को भी खाली करके दोबारा से धोऊंगा, किस चीज से धोऊंगा, इसमें जो केमिकल मैंने डाला है उसी से इसको रिंस करूंगा, समझो बेटा। अब मैं इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने जा रहा हूं, समझना बच्चे कॉन्सेप्ट, मैंने एक बार एक्सपेरिमेंट कर लिया, रीडिंग निकाल ली,
रीडिंग से मुझे पता चल गया कि यार सब्सटेंस ए का 15 cm³ चाहिए। जैसे इमेजिन करें कि चलो सब्सटेंस ए और बी को मैं थोड़ा सा और जनरलाइज कर लूं, मान लो कि मैंने इसके अंदर डाला NaOH और इसमें डाला H2SO4, इसका वॉल्यूम कितना था 25 cm³, और इसका वॉल्यूम कितना हुआ, मुझे टाइट्रेशन से क्या पता चला कि इसका कितना वॉल्यूम यूज हो रहा है बेटा, 15 cm³, क्योंकि 15 cm³ पे क्या हुआ था, कलर चेंज आ गया था, यस और नो? 15 cm³ पे कलर चेंज आ गया था, जिससे मैंने कंक्लूड किया कि 15 cm³ यूज हो रहा है फॉर दी कंप्लीट रिएक्शन। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इस पूरे सेटअप को दोबारा से रिफिल करूंगा, और रिफिल करने के बाद यहाँ NaOH था, दोबारा से इसको खाली करके धोऊंगा, किस चीज से धोऊंगा, NaOH से। किस चीज से धोऊंगा, वापस पानी से नहीं धोऊंगा बेटा, जो चीज इसमें डाली थी उसी से धोऊंगा, और धोने के बाद इसे अच्छे से खुश करके अब दोबारा से 25 cm³ NaOH डालेंगे इसके अंदर, ठीक है जी। और दोबारा से जब दोबारा रिएक्शन कराने जाएंगे तो आप इंडिकेटर नहीं डालेंगे, सेकेंड टाइम जब रिएक्शन कराने जाएंगे अब इंडिकेटर नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे बेटा सेकेंड टाइम में इंडिकेटर, कोई लॉजिक बता सकता है? लॉजिक बड़ी सिंपल है, क्योंकि इंडिकेटर हमने डाला था ये जानने के लिए कि रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। क्या अब हमें पता है दारिश कि रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए ब्यूरेट से 15 cm³ का वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, यस और नो? यस। तो मेरे बच्चे अब हम क्या करेंगे, सेकेंड टाइम, ये सेकेंड अटेम्प्ट ले रहे हैं, अब सेकेंड अटेम्प्ट में हम दोबारा से ब्यूरेट को फिल करेंगे, हम दोबारा से फ्लास्क को फिल करेंगे, इंडिकेटर डाले बगैर रिएक्शन कराएंगे, और कितना वॉल्यूम डाल देंगे, सीधा सीधा 15 cm³। अब जब 15 cm³ डालेंगे हमें पता है कि रिएक्शन क्या हो जाएगा कंप्लीट, और जब रिएक्शन कंप्लीट होगा क्या बनेगा अंदर बेटा बोलो, सॉल्ट एंड वाटर, NaCl एंड, सॉरी Na2SO4 एंड वाटर, Na2SO4 एंड वाटर। अब इंडिकेटर है क्या इस कंटेनर में, इंडिकेटर नहीं है। जब इंडिकेटर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर मैं गर्म करूं और गर्म करके इसको उड़ा दूं पानी को, तो सॉल्ट मिल जाएगा मुझे, यस और नो? बोलना बच्चे। अब मैं सॉल्ट यस हासिल कर सकता हूं, तो मेरे बच्चे मैंने क्या किया, 15 cm³ डाला, सॉल्ट बन गया, मुझे सॉल्ट नजर नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूंगा, इसको इवेपोरेटिंग बेसन, ये बीकर में ले जाऊंगा, बीकर में सोल्यूशन को ट्रांसफर करूंगा, नीचे क्या लगा दूंगा, कौन सा बर्नर, नीचे कौन सा बर्नर लगा देते हैं हम बंसल लोग, बंसन, बर्न बंसन बर्नर, बंसन बर्नर लगा के अब क्या करूंगा, पानी को इवेपोरेट कर दूंगा। जब बात। मैक्सिमम पानी निकल जाएगा तो मुझे सॉल्ट के क्रिस्टल्स, बोलो, सॉल्ट के क्रिस्टल्स बॉटम पे बनते हुए नजर आएंगे, सोल्यूशन को मैं ठंडा कर लूंगा, और ठंडा करके वो जो हमने क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस में कहा था, क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में क्या किया था हमने, देखो क्या लिखवाया था हमने एंड में, क्या करते हैं हम लोग, यहां देखो ये लाइन पढ़ो, यहां यहां से क्रिस्टलाइजेशन रिपीट हो रही है, हीट टिल क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट स्टार्ट फॉर्मिंग, स्टॉप द हीट एंड अलाउ सॉल्यूशन टू कूल डाउन, ऑब्टेन द फ्रेशली फॉर्म क्रिस्टल्स ऑन फिल्टर पेपर एंड ड्राई देम बाय टैपिंग इन बिटवीन द फिल्टर पेपर। ये स्टेप वही होगा जो कि हमने क्रिस्टलाइजेशन में किया था, इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर, यस सर, चले बेटा आए इसको जल्दी से लिखते हैं, सॉल्ट प्रिपरेशन के स्टेप्स लिखवा देता हूँ टाइट्रेशन से। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ उसी पैटर्न में, एग्जामिनर ने सवाल पूछा है बेटा, एक्सप्लेन इन डिटेल मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग NaCl सॉल्ट बाय टाइट्रेशन, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है बेटा? उसने बताया यहां पर लैब एपरेटस की लिस्ट बनानी है आपको, यहां पर रिएजेंट वन और रिएजेंट टू बताना है, यहां यहां पर रिएक्शन लिखना है, और यहां पर मेथड लिखना, ठीक है? यूजुअली बेटा इसका मेथड और ज्यादा बड़ा होता है, यूजुअली मेथड 5 नंबर का होता है, यहाँ 7 नंबर का मेथड आ जाता है जी। तो मुझे बताइए टाइट्रेशन में कौन कौन से लैब एपरेटर इस्तेमाल हुए बेटा, टाइट्रेशन में लैब एपरेटर प्रिपेयर कौन कौन से इस्तेमाल, ब्यूरेट कॉनिकल फ्लास्क एक मिनट रुक जाओ, क्या माइक बंद रखे बेटा, देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, आवाज आ रही है माइक आप? बंद रखो बेटा,
बेटा माइक बंद रखो। नियम रस्सियां झगड़ने आई हैं। कौन है भाई? मोहम्मद अहमद, आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। अच्छा जी, अब आ जाओ लैब अपडेट। बेटा मुझे सबका पार्टिसिपेशन चाहिए। कौन कौन सी लैब अपडेट इस्तेमाल हुए बेटा? मुस्तफा अरशद, इस्माइल जिया, यूसुफ अरहम। क्या क्या इस्तेमाल किया हमने इसमें? यूरेट आयरन स्टैंड इस्तेमाल हुआ, ब्यूरेट इस्तेमाल हुई, सारे पिपेट लिखने बेटा, इस्तेमाल पिपेट हुआ, इस्तेमाल हुई, कॉनिकल कॉनिकल फ्लास्क इस्तेमाल हुआ, बंसल फ्लास्क इस्तेमाल हुआ, और बर्नर। बंसन बर्नर इस्तेमाल हुआ। वेरी गुड, बंसन बर्नर इस्तेमाल हुआ, फिल्टर पेपर इस्तेमाल होगा और ट्राइपॉड फनल स्टैंड, इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, काफी। अब मुझे बताओ रिएजेंट NaCl बनाना है, HOH मेथड अप्लाई करो। बेटा HOH मेथड के हिसाब से क्या करेंगे? कौन कौन से केमिकल चाहिए होंगे? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl। यस HCl। और रिएक्शन लिखो बेटा। NaOH ओके HCl से रिएक्ट करेगा टू गिव NaCl प्लस H2O, ये लिक्विड, H2। ये एक्वस, ये एक्वस और ये एक्वस। चलो अब मेथड आ जाता है, तो बेटा मेथड को लिखते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखवाते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। एड R1। झूठे देखो तेरे क्लास में बेटा ये हो किसका माइक खोल रहा है बार बार? तो मुझे पता है, और अभी ले गया ना कहीं क्या होगा। इमरान माइक बंद करो बेटा। अच्छा जी, एड R1। चलो R1 की जगह मैं प्रॉपर मेथड ही लिख देता हूं। एड NaOH 25 cm³ इंटू कॉनिकल फ्लास्क थ्रू, किसके थ्रू हमने ऐड किया था इसको? थ्रू पिपेट। ब्यूरेट पिपेट सॉरी हाँ, किसके थ्रू किया था बेटा? वेरी गुड, पिपेट के थ्रू किया था ना बेटा। ठीक है जी, एड 1-2 2 ड्रॉप्स ऑफ सूटेबल इंडिकेटर इन फ्लास्क। ये बात सबको समझ आती है बेटा? ये आपने फ्लास्क का काम कर लिया। ओके, फिर क्या करते हैं? ऐड और फिल द ब्यूरेट विद HCl अप टू 0 मार्क और अप टू मार्क 50 cm³। ब्यूरेट टोटल 50 cm³ की होती है, ठीक है? तो 50 cm³ तक पूरा भर देंगे उसको, ठीक है? और अब क्या करेंगे? सस्पेंडेड, ब्यूरेट को हाथ में पकड़े रहेंगे क्या? इंडिकेटर सस्पेंडेड और वेर आयरन स्टैंड, आयरन स्टैंड पे उसको सस्पेंड कर देंगे। अब क्या किया था? ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना शुरू कर दिया था ब्यूरेट वाला केमिकल। यस और नो? जी एड HCl नाउ ड्रॉप बाय ड्रॉप। कब तक डालेंगे? अंटिल कलर कलर चेंज इन कॉनिकल फ्लास्क विच शोज। क्या शो करेगा ये? जाता एंड पॉइंट। एंड पॉइंट विच शोज एंड पॉइंट ऑफ रिएक्शन। अब बेटा हमें पता चल गया, अब जब एंड पॉइंट आ गया तो हम क्या कर लेंगे? नोट डाउन दी, जब एंड पॉइंट आ गया तो कौन सी रीडिंग नोट करेंगे? नोट दी वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ ब्यूरेट में क्या था? HCl। भाई ब्यूरेट से वॉल्यूम यूज करते हैं ना सारे स्मोगल। ब्यूरेट से हमने क्या दिया था? HCl। नोट दी वॉल्यूम ऑफ HCl इन ब्यूरेट। फिर आप कहेंगे रिपीट दी सर, इसमें होल इंडिकेटर एक्सपेरिमेंट। का रिपीट नाम लिखना पड़ेगा। द मेथड विदाउट इंडिकेटर। अगेन बट विदाउट इंडिकेटर, बट विदाउट इंडिकेटर एंड अलाउ सेम वॉल्यूम ऑफ एसिड इन टू फ्लास्क फ्रॉम ब्यूरेट
एज इन एक्सपेरिमेंट वन और एज इन फर्स्ट अटेम्प्ट। बेटा सॉल्ट बन गया अंदर, यस और नो? सॉल्ट तैयार हो गया अंदर बगैर इंडिकेटर हमने निकाल दिया। इज एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दैट? इंडिकेटर हम निकाल चुके हैं, सॉल्ट हमारा बन चुका है। अब क्या करेंगे जब सॉल्ट बन चुका होता है तो क्या करते हैं बेटा? यस प्लीज। सॉल्ट बनने के बाद के स्टेप, वो क्रिस्टलाइजेशन वाले स्टेप आ जाएंगे। कौन से स्टेप? नाउ हीट द सॉल्यूशन और मिक्सचर टू इवेपोरेट। क्या इवेपोरेट करवाना चाह रहे हैं हम लोग? मैक्सिमम वाटर अंटिल क्रिस्टल स्टार्ट्स टू फॉर्म। जैसे ही क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे तो क्या करेंगे? अलाउ द मिक्सचर टू कूल डाउन फिल्टर द क्रिस्टल्स एंड ड्राई देम। कैसे ड्राई करते हैं बेटा? बाय टैपिंग इन बिटवीन फिल्टर पेपर। इज दैट क्लियर बच्चों? क्या ये स्टेप नए हैं या वही क्रिस्टलाइजेशन वाले स्टेप आ गए बेटा? क्या ये स्टेप क्रिस्टलाइजेशन वाले ही है? यस और नो? यस। ये ब्लू से मैंने लिखे हैं, क्या ये स्टेप क्रिस्टलाइजेशन के रिपीट हो रहे हैं? जी बेटा, अभी तो मैंने लॉजिक समझाई ना। लॉजिक क्या है अब्दुल शकूर? क्यों रिपीट करना जरूरी है प्रोसेस को विदाउट इंडिकेटर? अब्दुल शकूर क्या लॉजिक समझाई मैंने? प्रोसेस को रिपीट करना क्यों जरूरी है? तो ताकि इंडिकेटर बीच में ना रहे। यस बेटा, अगर आप गौर से देखें तो अगर आपने इंडिकेटर वाला रिपीट इंडिकेटर वाले में ही हीट कर दिया तो फिर सिर्फ सॉल्ट नहीं होगा, इंडिकेटर भी क्रिस्टलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इंडिकेटर तो नहीं चाहिए ना? इंडिकेटर तो सिर्फ आपने इसलिए डाला था ताकि आपको रिएक्शन का एंड पॉइंट पता चले कि कितना वॉल्यूम यूज करेंगे तो रिएक्शन एंड जाएगा। शर्जील, रबीसा, सारा बेटा क्लियर है ये? आयश, मुस्तफा, राफिया, फरिया, पराचा, जी सर, शहीर, इमरान, इंशरा खान बेटा क्लियर है ये? सुहेब अली क्लियर है ये? टाइट्रेशन के पूरे स्टेप्स, ये आता है बड़ा। अगर टाइट्रेशन आएगा तो याद रखें 9 नंबर का आएगा, जिसमें 7 मार्क का यूजुअली आपका मेथड होता है, क्योंकि इसमें आप देखें एपरेटस भी ज्यादा है, पिपेट का जिक्र है, ब्यूरेट का जिक्र है, फ्लास्क का जिक्र है, तो ये सारी चीजों का जिक्र आपको करना पड़ता है। अगर आप नहीं करेंगे तो यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स आउट ऑफ दिस। इज दैट क्लियर? सर आई थिंक मैंने। अब मुझे बताएं, क्या इसी इसी मेथड पर आप कोई भी सॉल्ट एडिट कर लेंगे बेटा? बेटा हेडिंग नहीं डालनी होगी, ये पैटर्न ही यूजुअली इस तरह बना होता है। एग्जामिनर लिख के देता है कि आप लैब ऑपरेटर्स बताएं, रिएजेंट्स बताएं, रिएक्शन बताएं, तो आप वैसे ही लिख के दोगे ना उसको। ये यो इस यूजुअली इस तरह के फॉर्मेट में सवाल आता है। जी अहमद बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ कि आपने मेरे ख्याल से वो इंडिकेटर मेंशन नहीं किया। बेटा आप मेरे ख्याल नींद नजर नहीं आ रहा आपको शायद, ये रहा। सर ये पेपर 2 में आता है? पेपर 2 में नहीं आएगा, ये एटीपी में ही आएगा। अगर आना हुआ तो आप इसे वैसे बहुत, क्योंकि इसका अब ये कैम्ब्रिज के अकॉर्डिंगली जो है दिस इज द पार्ट ऑफ एटीपी, तो एटीपी में ही आएगा। ठीक है, हाँ इक्वेशन आ सकती है सॉल्ट, ये पेपर 2 पेपर 1 में ये जरूर आ सकता है कि भाई एनएसीएल बनाना है तो कौन से रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे, ये मेथड एज सच लिखने के लिए एटीपी में आएगा। इज दैट क्लियर बेटा? जी अरहम भाई दी क्लियर है? डायग्राम क्लियर है? मनाहल एंड मनाहिल, मनाहल एंड मनाहिल, मोहम्मद अहमद के एस ए, मोहम्मद अली, रबीसा खुर्शीद, सुहेब अली, जोहा अंजुम, जारिश मुगल, जुनैरा अधर कमाल, यूसुफ बलोच, उदय शकी जाबिर। जी सर। जी सर। तो बेटा दैट्स इट, सॉल्ट प्रिपरेशन हमारी खत्म हो गई। मैं एक बार फिर कंक्लूड कर दूं तो बेटा सॉल्ट प्रिपरेशन का मैं फ्लो चार्ट आपको दे देता हूँ जल्दी से, इससे पहले कि हम आगे बढ़े। ये देखिए, तो सॉल्ट प्रिपरेशन में आप शॉर्टकट सुन लीजिए। सॉल्ट प्रिपरेशन में अगर आपका सॉल्ट इनसॉल्युबल है तो कौन सा मेथड होता है बेटा? नाम क्या होता है मेथड का? प्रेसिपिटेशन, प्रेसी, क्रिस्टलाइज। और इसकी रेसिपी क्या होती है? सॉल्युबल प्लस सॉल्युबल
गिव्स यू इनसॉल्युबल प्लस सॉल्युबल। और इसमें हाईलाइट क्या होती है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट को आप किसके साथ ले लोगे, पॉजिटिव पार्ट को किसके साथ ले लोगे, नाइट्रेट के साथ, और नेगेटिव पार्ट को किसके साथ ले लोगे, या तो एच के साथ या एन ए के साथ या फिर के साथ या अमोनियम के साथ, यस और नो? ऐसा ही है भाई, इसमें जो जुगाड़ थी वो यही थी ना भाई, कि पॉजिटिव पार्ट को आप ले लोगे नाइट्रेट के साथ, ये आपको रिवीजन के टाइम पे काम आएगा, और जो नेगेटिव पार्ट होगा उसे या तो आप एनए के साथ दे लोगे या पोटेशियम के साथ दे लोगे या अमोनियम के साथ दे लोगे या एच के साथ दे लोगे, जो नेगेटिव पार्ट होगा। ठीक है बेटा, ये प्रिपरेशन की जुगाड़ थी। ठीक है, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव रिएजेंट के लिए, बाकी मेथड हमने आपको समझा दिया, लिखवा दिया। फिर अगर आप आ जाए सॉल्युबल सॉल्ट में, सॉल्युबल सॉल्ट में तो आपके पास बेटा मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। तो मैं ही कह रहा हूँ बेटा, ये जो फ्लो चार्ट है ये आपको हेल्प आउट करेगा जब आप एग्जाम से पहले रिवाइज करने बैठेंगे कि रिएजेंट्स कौन से लगेंगे, कौन सा मेथड फॉलो होगा, तो वो उसमें ये फ्लो चार्ट आपकी बड़ी हेल्प करेगा, उम्मीद है। फ्लो चार्ट नजर आ रहा है आपको? जी सर। इस फ्लो चार्ट को कॉपी कर लीजिए, बाकी डिटेल मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखना कैसे, फॉर्मेटिंग पूरी समझ आ गई सब बच्चों को? टाइट्रेशन का मेथड अभी दिखा देता हूं बेटा। आशिर, CO3 और H तो मैं पीछे बता के रहा हूँ ना, आप पिछली क्लास में नहीं थे क्या? वहां पर जो रिएजेंट्स लेना है उसमें HOH मेथड नहीं लगेगा यूजुअली, वहां पर चाहे तो वहां HOH मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड के HOH मेथड फॉलो ना करके HCO3 वाला मेथड तो फॉलो करें, पेज को नीचे पेज नीचे कर देते हैं। यस्टरडे तो बेटा पास पेपर सेशन था ना, ATP सेशन थोड़ी था। कर दे। वन आवर बाद ठीक हो गया बेटा? कुछ हुआ रहता अगले क्लास में देखो।
बेटा नोट डाउन कर लिया, हमें आगे बढ़ना है बेटा, डन हो गया? जी सर, हो गया सर। चलो मेरे बच्चों, मेरे उन्होंने हेलो बेटा, बाबू पानी बोतल लग रही है। अब मेरे बच्चे, हमने अगर आप वापस चले एटीपी वाले पहले पेज पर, तो आपको कुछ याद दिलाते हैं बेटा। एटीपी की अगर पहले पेज पर चलें जल्दी से, तो अब हम जा रहे हैं वन ऑफ दी, अब बहुत ज्यादा थ्योरी थ्योरी वाली लर्निंग हमने कर दी, ठीक है। वी आर डन विद फ्लेम टेस्ट, वी आर डन विद सॉल्ट एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट प्रिपरेशन, ये मेजर पोर्शन हमारा एटीपी का खत्म हो गया। अब हम अपने एटीपी का मैथमेटिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे, टाइट्रेशन बेस्ड मोड्स, और उसके बाद बेटा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बारे में मैं आपको लेआउट समझाऊंगा। लेआउट समझाने के बाद आपको एक आग एक्सपेरिमेंट प्लान करके दिखाऊंगा, और इस पार्ट के हैंडआउट्स आपको दूंगा, जिसमें आपके पेपर में आए हुए जितने भी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है सारे प्रॉपरली लिखे होंगे उसी मॉडल पर, जिस मॉडल पर मैं आपको बात समझाऊंगा, और इंशाल्लाह हमारा ये एटीपी का जो सेशन है ये खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से जो पेपर टू के बाद का टाइम है एटीपी और पेपर टू के दरमियान, उसमें फुल स्केल पेपर टू सॉरी जो एटीपीज हैं वो सॉल्व करेंगे। अगर तो आप ने आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस के बाद होमवर्क किया था, सॉल्ट एनालिसिस का होमवर्क किया था, तो काफी सारे क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी कर भी लिए होंगे। तो अब हम जा रहे हैं बेटा टाइट्रेशन बेस मोल्स की तरफ, अब हम जा रहे हैं टाइट्रेशन बेस मोल्स की तरफ, तो कैलकुलेटर्स निकाल लीजिए। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैं एक पेज पर आपको समझाता हूँ, अभी वैसे पास पेपर हम कर रहे थे तो मोल्स के क्वेश्चन उसमें भी मैंने कराए थे, लेकिन मैं दोबारा समझा देता हूँ कुछ बेसिक सी बातें, और उसके बाद हम डायरेक्टली चलेंगे। ये सबसे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन होता है मार्क्स वाले मार्क्स के हिसाब से, अब तो जब से पैटर्न चेंज हुआ है तो जब तब से ये क्वेश्चन छोड़ा 8-9 मार्क का आता है, वरना पहले ये 16-17-14 मार्क का आता था, ठीक है ना। तो हम इसके बड़े क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करेंगे, ताकि वो बड़े बड़े क्वेश्चंस करने में हमें अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो अब हम टाइट्रेशन बेस मोल शुरू कर रहे हैं बेटा, ठीक है। कैलकुलेटर सारे बच्चे निकाल लें, ताकि जब हम समझें सॉल्व करें तो आपको बात समझना आसान हो बेटा। टाइट्रेशन बेस मोल्स, अब हम अपने एटीपी का मैथमेटिकल पार्ट शुरू कर रहे हैं, जिसमें हर बच्चे को कॉन्फिडेंस आना चाहिए। टाइट्रेशन अभी अभी पढ़ी है, तो टाइट्रेशन से रिलेटेड मोल्स के सवाल आते हैं, आसान है। अगर आप वैसे मोल का चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, फिर ये वाले मोल के क्वेश्चन आसान होते हैं, क्योंकि इसमें एग्जामिनर स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्यूशन करवाता है। अब याद रखो, यूजुअली इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, अभी मैं हम आज की क्लास में एक दो क्वेश्चन करेंगे मिलकर इंशाल्लाह, और बेटा आज की क्लास के बाद आपको अच्छा खासा होमवर्क भी मिलेगा इन क्वेश्चन, याद रखें। अगर आपने आज के बाद इसका होमवर्क नहीं किया तो फिर आप एटीपी में स्ट्रगल करेंगे। आज आपको थोड़ा सा हिम्मत करके इसका होमवर्क करना होगा, ताकि आप होमवर्क करें 10-15 सवाल भी कर लेंगे ना, तो इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन 10 से कम नहीं, 15 से कम नहीं, 10-15 से कम सवाल अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बेटा फिर आप फंस जाएंगे, और फिर अल्लाह ही जाने के क्या होगा, ठीक है। ज्यादातर जो इसका इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे कैलकुलेशन वाले होते हैं, कुछ इसमें थ्योरी का टच भी आ जाता है, और वो थ्योरी का टच भी आपके सिलेबस का ही होता है, तो आप कर सकते होते हैं। चलिए जी शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो बेटा टाइट्रेशन बेस मोल की जब हम बात करते हैं, तो मोल में आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। यूजुअली हमारे पास इस टॉपिक में तीन फॉर्मूले ज्यादा अप्लाई होते हैं, एन इज इक्वल टू मास ओवर एम आर, एन इज इक्वल टू सी वी ओवर 1000, एंड एन इज इक्वल टू वी अपॉन 24,000, ठीक है। ये तीनों मोल्स सारे बच्चों ने ऑलमोस्ट मुझसे पढ़ा हुआ है, तो मोल्स जिस तरह से हमने पढ़ा था आपको सारा कुछ ये पहले प्रैक्टिस किया हुआ है आपने। अब इसमें क्या होता है, एन होता है बेटा नंबर ऑफ मोल, एन है नंबर ऑफ मोल, मास जो है वो एम मास है जो ग्राम में दिया हुआ होगा, सी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन है जो हमेशा मोल पर डीएम क्यूब में गिवन होगी, वी अगेन वॉल्यूम है जो सीएम क्यूब में होता है ज्यादातर, लेकिन कभी कभी डीएम क्यूब में भी हो सकता है, और अगर डीएम क्यूब में होता है तो आपको पता है फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू सी वी। ये फॉर्मूला होता है जब वॉल्यूम डीएम क्यूब में हो, ज्यादातर सीएम क्यूब में होता है तो फॉर्मूला सी वी ओवर 1000 होता है, ठीक है जी। इसी तरह यहां पर भी जो वॉल्यूम है ये सीएम क्यूब में है, अगर सीएम क्यूब में वॉल्यूम हो तो 24,000 से डिवाइड होता है, और अगर वॉल्यूम यहां पर भी डेसीमीटर क्यूब में हो तो फिर ये डिवाइड 24,000 से नहीं होता बल्कि 24 से होता है। यूजुअली एग्जामिनर बता देता है कि यहाँ पर 24 इस्तेमाल करना है, ठीक है, एग्जामिनर बड़ा एहसान आप पे करता है, लेकिन अगर ना करे तब भी आपको पता होना चाहिए,
ठीक है जी। अच्छा याद रखें, एक तो तीन फॉर्मूले इस्तेमाल हो रहे होंगे, और इसके अलावा रेशो मेथड। रेशो मेथड कब इस्तेमाल होता है बेटा? या आप मोल के चैप्टर में भरपूर प्रैक्टिस कर चुके, रेशो मेथड कब इस्तेमाल होता है बेटे? जब आपको सब्सटेंस ए से सब्सटेंस बी का रिलेशन बनाना होता है, आपको डेटा वो NaOH का दे दे और सवाल HCl का पूछ ले, अब आपको रेशो बताना होगा, और रेशो बनाने में किसका इस्तेमाल होता है बेटा? वी नीड टू यूज इक्वेशन। रेशो बनाने के लिए हम इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, और अभी पेपर टू जो आपने मेरे साथ ईयरली अटेम्प्ट किए थे, ईयरली पेपर जो अटेम्प्ट किए थे, उन पेपर्स के अंदर हम ऑलरेडी मोल्स सॉल्व कर चुके हैं और उसमें भी रेशो बना चुके हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग के प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा कहीं कहीं पर आपको एक चीज और निकालने को कह देता है, और वो क्या होता है? वो कहता है कॉपर सल्फेट हैज अ फॉर्मूला, कॉपर सल्फेट XH2O, कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, इस एक्स की वैल्यू निकाले। तो याद रखें, इस एक्स को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इसका फॉर्मूला आपको कभी दे देगा कभी नहीं देगा। इसका फॉर्मूला याद रखें, इसका फॉर्मूला है मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्ट, मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्ट। ये कम से कम वो पेज है जो आपको यूज करना है सॉल्व करने के लिए। अब हम इसके लिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस बेस्ड है, तो डायरेक्टली हम इसके क्वेश्चंस पे चलेंगे और डायरेक्टली इसके फुल फ्लेज क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे, और मैं आपको छोटे वाले भी नहीं बड़े वाले क्वेश्चंस कराऊंगा जो 17-18 मार्क के, ताकि हमारी प्रैक्टिस और एक्सपोजर अच्छे से अच्छा हो जाए। आप मेरे साथ 1-2-3 सवाल करेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि इसमें एक बेसिक पैटर्न फॉलो होता है, और उस पैटर्न में थोड़ी बहुत तब्दीली तो आ सकती है, बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं आती। इज दैट क्लियर बच्चों? अरे मुझे एक्स वाला समझ नहीं आया, एक्स वाला क्या है? बेटा इस तरह से कंपाउंड अक्सर अभी आप सवाल में देखोगे दिया हुआ होता है, एक कंपाउंड का फॉर्मूला उसमें लिखा होता है .XH2O। XH2O किसे कहते हैं? देखो हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है ना, हमने कहा था एक एनहाइड्रेट सॉल्ट होता है बगैर पानी के, और एक हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स उसके साथ शामिल हैं, इसे को आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो इस एक्स को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, एंड दैट इज मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्ट। इस फॉर्मूले से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। इज दैट क्लियर? पर इधर तो दोनों के मोल्स 1:1 है ना? अच्छा इधर तो डेटा ही गिवन नहीं है ना, डेटा गिवन होगा। सही है, ओके सर। ठीक है बेटा, इस पेज को सारे बच्चे नोट कर लें, और फिर हम डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लिया सबने? जारे, सोहेब, जी सर। ये पहला टॉपिक है जिसको हम डायरेक्टली पास पेपर में घुस के सॉल्व करेंगे, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स पास पेपर्स नाउ। अच्छा ये सवाल हर पेपर में होते हैं, ठीक है, और आसानी से आप इन्हें आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। मैंने सॉल्ट आइडेंटिफिकेशन के भी कुछ सवाल कराए थे पहले, उम्मीद है कि आपने अब तक याद कर लिए होंगे। चलिए इस तरह के प्रश्न आते हैं, जैसे ही आपको ये टाइट्रेशन करके 3 ब्यूरेट नजर आए, आप समझ जाए ये सवाल आ गया है। तो अब यहां से हम शुरू कर रहे हैं इस सवाल को बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 मैं करा रहा हूं आपको, ये है 2009, मई जून 2009, ठीक है। और आप देखिए क्वेश्चन अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन है ये, अल्लाह आपका 15 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अच्छी खासी वेराइटी हम प्रैक्टिस इसमें कर पाएंगे। आपने कैलकुलेटर रखने हैं हाथ में, और कैलकुलेशन साथ साथ करनी है, अगर आप नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं बेटा। स्टूडेंट आपसे खुद ही सवाल सॉल्व करवाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक आपने गलत नहीं करनी। स्टूडेंट वाज गिवन अ बॉटल कंटेनिंग अ स्मॉल पीस ऑफ स्क्रैप आयरन, एक स्टूडेंट को बॉटल दी गई, उसमें स्क्रैप आयरन का पीस था। ही वाज आस्क्ड टू फाइंड द प्योरिटी ऑफ दिस सैंपल, उसको कहा गया कि प्योरिटी निकालें, ठीक है। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द आयरन वाज प्लेस इन अ प्रीवियसली वेट कंटेनर, एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आयरन को प्लेस किया गया एक कंटेनर में, विच वॉज देन रीवेट, और उसको दोबारा से वेट किया गया। अब आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, मास ऑफ कंटेनर प्लस आयरन दिया हुआ है 6.16, एंड मास ऑफ कंटेनर दिया हुआ है 4.72। कैलकुलेट दी मास ऑफ आयरन। हाँ भाई बहुत मुश्किल है क्या ये? मास ऑफ कैसे कंटेनर से निकालेंगे मास मास ऑफ ऑफ आयरन? आयरन को माइनस कर देंगे।
6.16 माइनस 4.72, सबको समझ आना चाहिए बेटा, साथ साथ माइनस करके बताओ कितना आ रहा है बेटा, 1.44 कितना आ रहा है माइनस करके, 1.44 बेटा, साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। पहला पार्ट सबको क्लियर है, पहला पार्ट सबको क्लियर है, यस चलो आगे चलते हैं। आगे कहता है द आयरन वॉज प्लेस इन अ कॉनिकल फ्लास्क, ओके आयरन वॉज प्लेस इन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड एक्सेस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वॉज एडेड टू रिएक्ट विद आयरन। देखो आयरन के साथ किसका रिएक्शन हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड का। मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो कोई गैस बनती है, कौन सी गैस बनती है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो कहता है द फ्लास्क वॉज वॉर्म, फ्लास्क गर्म की गई एंड द आयरन रिएक्टेड विद सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस आयरन आयंस। A gas was produced in this reaction. Name this gas. क्या नाम होगा बेटा? Hydrogen. Hydrogen gas. अब देखो test आ गया ना, पूछ लिया। अब बताओ क्या होगा test? Hydrogen gas का test क्या होता है बेटा? Give एक number का है. Gives pop sound. Pop sound. With a light with a splint. Burning light. Splint. Yes or no? Yeah, lighted splint. So here समझ आ रहा है? ये है एटीपी की हकीकत बेटा। yes, ये आंसर समझ आ रहे हैं कैसे हो रहे हैं, फुल मार्क्स मिलते जा रहे हैं हमें। चल स्टेट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड सल्फ्यूरिक एसिड। भाई रिएक्शन लिख ले, आयरन आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आ गया, कैसे सॉल्ट कैसे बनेगा बेटा, आयरन कैसे रिएक्ट कर जाएगा आयरन सल्फेट से, और आयरन टू वाला था, जब आयरन टू वाला था तो आयरन की वैलेंसी टू सल्फेट की वैलेंसी टू दोनों कैंसिल हो जाएगा, FeSO4 बनेगा, साथ में हाइड्रोजन बनेगी। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके अब देखो यहाँ क्या पूछ रहा है, इसमें यूजुअली एक आग सवाल ना कलर चेंज का भी लाजमी होता है, देखो यहाँ भी आया हुआ है, अब इसको गौर से पढ़ना पड़ेगा ताकि समझ आए। व्हेन ऑल द आयरन हैड रिएक्टेड द रिजल्टेंट सॉल्यूशन वाज कूल्ड अप एंड मेड अप टू 250 cm क्यूब विद अ डिस्टिल्ड वाटर इन अ ग्रेजुएटेड फ्लास्क दिस सॉल्यूशन वाज एस। कहता है जब आयरन को सारा रिएक्ट कर गया आयरन, तो हमने क्या किया उसमें पानी डाला और उसे 250 cm क्यूब वॉल्यूम तक पहुंचाया, इस सॉल्यूशन को एस का नाम दिया है, ठीक है। Using a pipette, 25 cm cube of S was transferred into conical flask. यानी ये आप समझ ले, S बनाया, S कितना था? 250 cm cube था। अब इसमें से कहता है कि कितना निकाला हमने? 25 cm cube निकाला, ये कह रहा है, ठीक है। और कैसे निकाला? 25 cm cube जब भी निकालना होता है किसके थ्रू निकालते हैं बेटा? पिपेट के थ्रू। यस और नो? नीड पार्टिसिपेशन, ठीक है जी। वॉज ट्रांसफर्ड इन टू कॉनिकल फ्लास्क, सोल्यूशन टी was, अब एक और सोल्यूशन है सोल्यूशन टी, जो क्या है? पोटेशियम मैग्नेट। सोल्यूशन टी क्या है? पोटेशियम मैग्नेट। क्या पोटेशियम मैग्नेट हमने सिलेबस में पढ़ा हुआ है रिडॉक्स चैप्टर में, क्या होता है? इज इट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस और नो? यस यस यस, ठीक है। अब ब्यूरेट वॉज फिल्ड विद टी, टी वॉज रन इन टू कॉनिकल फ्लास्क अंटिल द एंड पॉइंट वॉज रीच। एक्वस पोटेशियम मैग्नेट इज पर्पल, एक्वस आयरन इज पेल ग्रीन, What color is the solution in the flask at the end point? हाँ भाई बेटा फंस गए ना, फ्लास्क में क्या चीज है बेटा बताओ मुझे, बहुत बहुत फंस गए बेटा, फंस गए बेटा, फंस गए, फंस गए तुम लोग, जो पर्पल टू कलरलेस कह रहे हैं वो तो फंस गए। क्यों फंस गए? सोल्यूशन सवाल क्या पूछा है उसने, उसने पूछा है एक्वस पोटेशियम मैग्नेट इज पर्पल, एक्वस आयरन आयन इज पेल ग्रीन, कलर वॉट कलर इज द सोल्यूशन इन द फ्लास्क। फ्लास्क में कौन सा केमिकल था? KMnO4 था, आयरन का केमिकल था बेटा, मुझे बताओ कौन सा केमिकल था फ्लास्क के अंदर? तो आयरन का कलर तो पेल ग्रीन था, जब आयरन का कलर पेल ग्रीन था तो पर्पल टू कलरलेस कैसे लिख रहे हो? आयरन का कलर तो पेल ग्रीन था ना, तो कलर किसका लिखेंगे? आयरन का। याद करो आयरन का कलर क्या होता था, FeSO4 हमने पढ़ा था, हमने FeSO4 और पोटेशियम आयोडाइड ये दो पढ़े थे रिड्यूसिंग एजेंट हमारे सिलेबस में, और KMO4 और K2Cr2O7 ये दोनों हमने क्या पढ़े थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस और नो? FeSO4 का कलर चेंज क्या होता था? ग्रीन टू कलरलेस, और इसका क्या होता था पोटेशियम आयोडाइड का? कलरलेस टू ब्राउन, रेडिश ब्राउन। KMnO4 का क्या होता था? पर्पल टू कलरलेस, और K2Cr2O7 का क्या होता था? ऑरेंज टू ग्रीन, यस और नो?
तो बेटा ये लॉजिक समझ आई कि इसमें पर्पल टू कलरलेस क्यों नहीं लिख रहे हैं बेटा? क्योंकि उसने सवाल क्या पूछा है बच्चों, सवाल पूछा है फ्लास्क में सोल्यूशन का कलर क्या होगा। तो मेरे बच्चे बताएंगे क्या कलर होगा, कलर ऑफ सोल्यूशन। बेटा ऐसे नहीं लिखोगे, कलर ऑफ सोल्यूशन इन फ्लास्क चेंज फ्रॉम फ्रॉम पेल ग्रीन टू टू कलरलेस कलरलेस। इज दैट क्लियर बच्चे? मोहम्मद अली, मोहम्मद अहमद, शहीद, सुहेब, इंशरा, फरीहा जी सर, रबीसा, बेटा क्लियर है रबीसा? इल्मा, जाबिर, आयश, मुस्तफा, अरशद, अरम बायदी, अब्दुल शकूर, मनाहिल, बेटा चेंज कलर चेंज तो सही है ना, ग्रीन टू कलरलेस होता है, जब रिएक्शन कर रहा है तो कलर चेंज नहीं करेगा। पेल ग्रीन तो इसका अपना कलर ओरिजिनल है ना, तो कलर चेंज लिखोगे ना, ये क्या कलर चेंज होगा? ओके अब आ जाओ कैलकुलेशन वाला पार्ट शुरू है। आपको तीन ट्यूब्स दी हुई है, टाइटेशन वन, टाइटेशन टू, टाइटेशन थ्री, ठीक है, रीडिंग लिखनी है। हाँ भाई, पहले में रीडिंग देखो कितनी है, ये टाइटेशन वन की रीडिंग कितनी है देखो, जीरो, और ये कितना है 25.1, ये कितना है बेटा, रीडिंग रीड करते जाओ, शाबाश बताते जाओ, 4.2, और ये कितना है 28.1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको गलत नहीं कर देना, ये कितना है 12.5, और ये कितना है 37.1, 37.1। अभी रीडिंग को यहाँ लिख दो, पहली रीडिंग क्या थी, फाइनल रीडिंग देखो पहले लिखनी है 25.1 और 0, सॉरी इनिशियल रीडिंग क्या थी, कितनी थी इसकी, 0.0। सेकेंड वाले की कितनी थी 28.6 और 4.2। थर्ड वाले की कितनी थी 37.1 और 12.5। अब वॉल्यूम ऑफ टी, कितना वॉल्यूम यूज हुआ, कैसे निकालोगे, माइनस कर दो, माइनस करोगे तो 25.1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, माइनस करो 24.2, और ये कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 24.6 25.1 24.2, ये सही निकाला है, ये 25.2 तो नहीं आ रहा था, ये 24.4 आ रहा है सेकंड वाले को, 24.4 आ रहा है। अब देखो अगर ये मैथमेटिकल मिस्टेक भी तुम लोग करोगे तो फिर तो अल्लाह ही तुम लोगों को बचा सकता है, कोई और हल नहीं है। अब अगर ये माइनस भी तुम लोग गलत करोगे फिर तो बेटा किसी खड्डे में जाके गिरोगे। अब मेरे बच्चे कहता है बेस्ट आइट्रेशन रिजल्ट्स को टिक करें, देखो बेटा 2 और 3 से दो क्लोज रीडिंग्स को टिक करना होता है, कौन सी है, कौन सी रीडिंग है, आप ऐसे टिक कर दो, ठीक है, ये 24.4 और 24.6। इज दैट क्लियर? मनाहिल एंड मनाहल, मनाहिल एंड मनाहल क्लियर है? अरम भाई दी, चलो अब कहता है टिक द बेस्ट रिजल्ट, हमने कर दिया। यूजिंग दिस रिजल्ट एवरेज वॉल्यूम निकालें, एवरेज वॉल्यूम कैसे निकालोगे बेटा, 24.4 + 24.6, वर्किंग दिखानी होती है, तीनों को ऐड नहीं करोगे, जो बेस्ट साइटेशन है उनको ऐड करोगे, तो ये आ जाएगा 24.5। इज दैट क्लियर? ये क्या आ गया बेटा, दिस इज वॉल्यूम ऑफ टी, ये क्या आ गया, एवरेज वॉल्यूम ऑफ टी, इज दैट क्लियर? चलो आगे चलते, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन द एवरेज वॉल्यूम ऑफ टी रिक्वायर्ड इन डी। ओके कहता है क्या निकालो बेटा, मोल्स निकालो किसके, टी के, ठीक है जी, टी क्या था, पोटेशियम पर मैग्नेट का सोल्यूशन था ना, देखो टी किसका सोल्यूशन था, पोटेशियम मैग्नेट का, इसके मोल निकालने के लिए कह रहा है, यस और नो? अब कैसे निकालेंगे, ये क्या दी हुई है टी की कॉन्सेंट्रेशन, और अभी आपने पीछे क्या निकाला, टी का वॉल्यूम, जब वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन मालूम हो तो मोल निकल जाता है, कैसे निकलता है, एन इज इक्वल टू सी इन टू वी अपॉन 1000, कॉन्सेंट्रेशन की जगह 0.200, वॉल्यूम की जगह 24.5 डिवाइड बाई 1000, सॉल्व करो कितना आ रहा है बेटा, 4.5, 4.9 into 10 minus 4,
जी कोई और भी कंफर्म करे, यही आ रहा है, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। सुहेब जाग जाओ जरा, क्या आ रहा है बेटा? 4.9 एक्सपोनेंशियल माइनस 4। ठीक हो गया। क्या ये स्टेप सबको समझ आया? कैसे निकाले बेटा? मोल निकालने थे, कॉन्सेंट्रेशन दी हुई थी, तो जाहिर है मेरी नजर फॉरन वॉल्यूम पे जाएगी। वॉल्यूम हमने पीछे ही निकाला था पिछले पार्ट में, टी का वॉल्यूम, इन दोनों को यूज करके हमने मोल निकाल लिए। यूजुअली स्टेप बाय स्टेप कनेक्टिविटी चल रही होती है बेटा। क्लियर है यहां तक सबको? यस सर। बेटा जवाब दे दे। ओके, अब आगे लिखा है 5 मोल्स ऑफ Fe, ओके, रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। ये उसने क्या बता दिया? देखो दो डिफरेंट केमिकल का जिक्र किया, मैंने बताया था जब दो डिफरेंट केमिकल का जिक्र करेगा तो रेशो लगेगा। कहता है 1 मोल किसका होगा? 1 मोल होगा किसका बेटा? केमेनो फोर का। तो किसके 5 मोल होंगे? किसके? Fe के। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ Fe इन 25 cm³ ऑफ S। 1 मोल 5 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो मेरे बच्चे ये मोल कितने से रिएक्ट करेंगे? रेशो करके निकाल दीजिए। नंबर ऑफ मोल निकालने, 4.9 एक्सपोनेंशियल माइनस 4 रेशो x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिए। टू पॉइंट फोर फाइव एक्सपोनेंशियल माइनस थ्री। सर ये 4.9 क्यों लिया सर? ये जो 25 जो बेटा वन है। मोलर रेशो किया है ना उसने, रेशो निकालने के लिए आपको 5:1 का मोलर रेशियो दिया गया। 1 मोल पोटेशियम मैग्नेट 5 मोल आयरन के साथ रिएक्ट करता है, तो यहां पर आपने 4.9 एक्सपोनेंशियल माइनस 4 मोल निकाले हुए थे, तो ये कितने मोल से रिएक्ट करेंगे? तो रेशो कर लिया हमने। तो इधर ये इन 25.0 क्यों दिया फिर? वो तो पिपेट से निकाला वॉल्यूम है ना, फिक्स वॉल्यूम। इस वॉल्यूम में अच्छा मोल कितने जो रिएक्ट करेंगे, दैट इज 4.9 एक्सपोनेंशियल माइनस 4, रेशो करके निकाल लिया। बेटा सबका यही आंसर आ रहा है और सबको ये स्टेप क्लियर है? यस परिहा सर। अब कहता है कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल इन 250 cm³। बेटा ये जो नंबर ऑफ मोल आए ये कितने वॉल्यूम के हिसाब से आ गए? ये जो 25 नंबर ऑफ मोल आए 25 cm³ के हिसाब से आ गए। तो आप यूं कह लें कि 25 cm³ के हिसाब में कितने मोल आ रहे हैं बेटा? 2.445 एक्सपोनेंशियल माइनस 3। तो 250 में कितने होंगे? इसको 10 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट कितना बन रहा है? ऊपर जो आपने मोल निकाले ये 25 cm³ के हिसाब से आ गए, तो अब 250 के हिसाब से 10 टाइम ज्यादा होंगे, कितना हो जाएगा बेटा? जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट जीरो टू फोर फाइव 0245 पॉइंट यही आ रहा है जीरो टू सबका। फोर फाइव यस ओके, ये किसके मोल आ गए बेटा? Fe के मोल आ गए। अब एग्जामिनर कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ Fe। बेटा मोल पता हो तो मास निकाल लेते हैं, जबकि Ar भी दिया हुआ है। क्या फॉर्मूला होगा? मोल इज इक्वल टू मास मास ओवर Ar। इनटू मास मास ओवर ओवर एनर्जी। नंबर ऑफ मोल कितने? 0.0245 और Ar दिया हुआ है 56, यहां लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वन मास पॉइंट कितना आ रहा है थ्री बेटा बताओ? सेवन टू 1.372 1.372 आ रहा है। यस आशिर सॉल्व कर रहे हो, अबीर मोहम्मद अहमद सॉल्व करते जा रहे हो बेटा, यूसुफ सलमान जारिश सॉल्व कर रही हो साथ साथ, सारा जी सर। जुनैरा। चल अब ये क्या आ गया? मास आ गया। ध्यान रखना निकालते क्या जा रहे हो, धुन में निकालते। अब कहता है यूजिंग योर आंसर कैलकुलेट दी परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? प्योरिटी एक्चुअल यील्ड ओवर टू इज डिफरेंट इक्वल प्योरिटी टू मास ऑफ प्योर सैंपल डिवाइडेड बाय मास ऑफ इम्प्योर सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये देखो, ये तुम्हें आयरन का मास यहां मिला है, और एक देखो मास शुरू में था ये वाला, ये कौन सा मास था? ये वाला मास कौन सा मास इम्प्योर था बेटा? दिस वॉज इम्प्योर इम्प्योर मास, ठीक है ना, और यहां पर आपने निकाला प्योर मास। चले जी अब सॉल्व कर दे, तो क्या हो जाएगा? प्योर मास की जगह आ गया 1.372 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट, क्या था वो वैल्यू? क्या थी वो? 1.44। 1.44 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करो बताओ आंसर क्या आ रहा है। 95.27%। 95.37%। 27
37% बेटा, 37% आ गया मेरे बच्चे। 15 नंबर का सवाल 15 में 15 वाला सॉल्व हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और चूंकि ये आप एक फ्लो में करते हैं तो इसमें टाइम भी कम लगता है मेरे बच्चे, टाइम भी कम लगता है। कुछ समझ आया सवाल, थोड़ा सा पैटर्न? अब तुम्हें मैं अगला सवाल कराऊंगा, बिल्कुल सेम पैटर्न तुम्हें रेप्लीकेट होता हुआ नजर आएगा। कुछ पैटर्न समझ आया? शुरू में मास की बात करेगा, फिर थोड़ी बहुत कलर वलर की रिएक्शन रिएक्शन की बात कर लेगा, उसके बाद यहाँ से वही वही पैटर्न शुरू हो जाएगा। क्लियर है ये सवाल? सबको समझ आया? यस सर। यस सर। थोड़ी बहुत थ्योरी भी आ जाती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आने कोई और सवाल कराते हैं, थोड़ा 2-3 साल छोड़ के कोई सवाल करते हैं। सब सवालों का एक ही तरह का पैटर्न होता है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ साल छोड़ के करा देते। चलो 2010 का सवाल देखते हैं, चले 2010 का सवाल देखते हैं, देखते हैं कितना बड़ा सवाल है। ओके जी, ये बड़ा सवाल है, उसमें ऑर्गेनिक भी आ रही है, इसमें ऑर्गेनिक से थ्योरी भी आ रही है भाई, ऑर्गेनिक से थ्योरी भी आ रही है, तो दैट्स ओके। ऑर्गेनिक सब पढ़ चुके हैं तो उम्मीद है कि थ्योरी का रिलेशन भी कर लेंगे। चलिए, अ स्टूडेंट इन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक एसिड। सवाल में शुरू में बता दिया कि स्टूडेंट एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। ही टाइट्रेटेड सॉल्यूशन आर एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 8.50 ग्राम ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड। सॉल्यूशन आर किसका सॉल्यूशन है? एसिड का। और ये आपको डेटा दिया हुआ है 8.50 ग्राम, 8.50 ग्राम ये इसका मास प्रोवाइड कर दिया। विद सॉल्यूशन एस कंटेनिंग 0.1 मोल पर डीएम क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या चीज है 0.1? व्हाट इज दिस कॉन्सेंट्रेशन? किसकी? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दो केमिकल का जिक्र हो रहा है, एक सॉल्यूशन आर है जो क्या है बेटा ऑर्गेनिक एसिड है, और एक सॉल्यूशन एस है जो क्या है एनए OH। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 25 cm cube of S was transferred. 25 cm cube of S का मतलब ये 25 cm cube of S was transferred into a conical flask and few drops of phenolphthalein indicator were added. ठीक है, अब उसने बताया हुआ है phenolphthalein is colorless in acid and pink in alkali. ठीक है, तो कहता है कि 25 cm cube जो है वो S का यानी NaOH का हमने डाला फ्लास्क में, इसमें इंडिकेटर डाल दिया। इंडिकेटर डाला हुआ तो कलर क्या हो गया वो इंडिकेटर का? अगर बेस में डाला है तो इंडिकेटर का कलर क्या होगा? पिंक होगा, कलरलेस होगा। पिंक, ठीक है, पिंक होगा भी। अब कहता है आर वॉज पुट इन टू ब्यूरेट। अब ब्यूरेट में आर डाला जो एसिड था एंड रन इन टू कॉनिकल फ्लास्क अंटिल द एंड पॉइंट वॉज रीच। एंड पॉइंट पे कलर चेंज क्या होगा? तो आपने देखा कि पहले हमने बेस में डाला था तो पहले पिंक होगा, बाद में क्या हो जाएगा बेटा? कलरलेस। जो मैं बार बार बताता हूँ कि आप ये रट्टा नहीं लगा सकते कि कलरलेस टू पिंक ही होगा हमेशा, आपको देखना पड़ेगा कि पहले कौन सा इंडिकेटर किस केमिकल में डाल रहे हैं। इज दैट क्लियर अब्दुल शकूर? उसने बताया था कि अल्कली में पिंक है और एसिड में कलरलेस है, तो अल्कली में चूंकि फ्यू ड्रॉप्स डाले थे तो शुरू में पिंक हो जाएगा, बाद में जब एसिड डालेंगे तो कलरलेस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस। अब देखो ये का पार्ट कवर हो गया, अब आगे देखते हैं। फिर वही टाइट्रेशन की रीडिंग आ गई, बताते जाओ रीडिंग। पहली फाइनल रीडिंग बताओ कितनी आ रही है? 26.5 0.0, फिर क्या है 39.4 और 13.6, फिर क्या है 29। भाई फाइनल में फाइनल लिखना, इनिशियल में इनिशियल लिखना, ऐसा नहीं उल्टा लिख दो। 30.2 एंड 4.2 माइनस करो बेटा। माइनस करो कितना आ रहा है? भाई कोई सॉल्व कर रहा है? 25.25 पॉइंट व्हाट? सॉरी 8। 25.2 8। और ही कैसे कर रहे हो, कैलकुलेटर लेके कर रहे हो यार? 25.8 और अगले वाले के 26 26। बेटा यही रीडिंग आ रही है सबकी, कंफर्म कीजिएगा प्लीज। 26 का मतलब 26.0 हो गया ना? ओके,
जी कौन सी दो रीडिंग सबसे क्लोज है? 25.8 और 26.0. 25.8 ठीक है. अब सॉल्व कर ले बेटा, एवरेज वॉल्यूम निकालना है. कैसे निकालते हैं एवरेज वॉल्यूम बेटा बोलिए? 25.8 प्लस 26.0 डिवाइड बाय 2 क्या आ जाएगा बेटा? 25.9. यस और नो? यस. क्लियर हो गया. चले अब आगे चलते हैं. ये क्या निकाल, वॉल्यूम निकाल दिया ठीक है ना. आगे देखते हैं क्या पूछता है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. मेरे बच्चे सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल निकाल रहे हैं. हाउ डू वी बेटा अभी तो बताया सारे जो क्लोज रीडिंग होंगे उनको टिक करोगे. आप देखिए किनमें जिसमें डिफरेंस कम है टिक करोगे आप. ठीक है जारिश. ट्वेंटी कौन सी थी जारिश? यही थी ना दोनों. ठीक है चलो अब आपको क्या निकालना है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स निकालने. बहुत आसान है. नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको पीछे वॉल्यूम मौजूद है दैट इज 25.9 और कॉन्सेंट्रेशन भी मौजूद है. कॉन्सेंट्रेशन थी सोडियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ थी? ये देखें ये शुरू में दी हुई है ये रही. तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा बेटा बोलिए? अगेन एन इज इक्वल टू सी वी ओवर बोलो भाई सी वी ओवर थाउजेंड थाउजेंड और कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है 0.100 0.100. वॉल्यूम क्या रखूं मैं 25 रखूंगा या 25.9 रखूंगा? 25.9 रखूंगा. 25.9 भाई लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 25 तो 25.9 क्यों रख देंगे? 25 लिखा हुआ है ना इसके अंदर. चलो डिवाइड बाय 1000 करो बताओ क्या आ रहा है जी बेटा. सॉल्व करो बताओ क्या आ रहा है. मनाहल हसन 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 3 2.5 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 ठीक हो गया. आगे चलो अब देखो रेशियो दे रहा है गिवन दैट 1 मोल ऑफ एसिड. गौर से देखो बेटा फजूल बात. गिवन दैट 1 मोल ऑफ एसिड या तो रेशियो वो इस तरह पैराग्राफ में देता है या इक्वेशन दे देगा. गिवन दैट 1 मोल ऑफ एसिड न्यूट्रलाइजेस 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्या बता रहा है कितना रेशियो है एसिड और एनएच में? 1:1 बता रहा है एसिड और एनएच में कितना रेशियो है बेटा? 1:1 का. यूज योर आंसर टू सी. सी वाले आंसर को यूज करें. डिड्यूस नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड तो 1:1 का रेशियो है तो सेम मोल होंगे. यस और नो? यस यस. ओके अब ये मोल कितने वॉल्यूम में आए? 1000. ये मोल कितने वॉल्यूम में आए बेटा? 25. अबे ये वाले मोल कितने वॉल्यूम में आए? 25. एवरेज वॉल्यूम ऑफ आर कह रहा है. एवरेज वॉल्यूम ऑफ आर. एवरेज वॉल्यूम ऑफ आर क्या था? ये था 25.1. ये मोल्स आए हैं 25.9 के हिसाब से. ये बात समझते हो या नहीं समझते? कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ. अब नीचे क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड इन 1 डीएम क्यूब. अब 1 डीएम क्यूब में कितने वो निकाले? कोई मसला नहीं है मेरे बच्चे. 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर. 1000 सीएम क्यूब. तो बहुत आसान है. आपको पता है कि 25.9 सीएम क्यूब में कितने मोल्स हैं बेटा? 2.5 एक्सपोनेंशियल माइनस 3. तो 1000 सीएम क्यूब में कितने मोल्स होंगे कैलकुलेट कर लीजिए. आसान है भाई. 25.9 सीएम क्यूब में 2.5 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 मोल्स हैं तो 1000 में कितने होंगे कैलकुलेट कीजिए. बस ये क्वेश्चन करा के ऑफ कर रहा हूं बेटा. जी बेटा कैलकुलेट कीजिए. मनाहल अब्दुल शकू बात समझ आ रही है. रोशान उजैर शकील कैसे सॉल्व हो रहा है समझ आई बात? उसने कहा नंबर ऑफ मोल्स एसिड निकाले 1 डीएम क्यूब में. 1 डीएम क्यूब में क्या निकालेंगे? पीछे आपने निकाला हुआ है 2.1. यूजुअली कनेक्टिविटी में चल रहे होते हैं सवाल. तो रेशियो हमने क्या बनाया कि जो मोल हमें 2.5 इसमें जो माइनस 3 मिले 25.9 सीएम क्यूब में 1000 सीएम क्यूब में कितने बनने हैं? 0.0965. यही आंसर आ रहा है सबका. कोई और कंफर्म करें मुझे. उजैर सुनहरा
यूसुफ, सर अरहम, जी सर अरहम, ओके चल, यूजिंग योर आंसर टू ई, अब बोलता है ई वाला आंसर यानी ये वाला मोल एंड द इंफॉर्मेशन दैट आर कंटेन 8.50 ग्राम, ये ग्राम क्या बता रहा है, क्या बता रहा है इसका मास कितना है 8.50, ठीक है, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, क्या निकालना है, एमआर निकालना है, बड़ा आसान है मेरे बच्चे, कॉन्सेंट्रेशन नहीं बेटा, कॉन्सेंट्रेशन तो मोल पर डीएम क्यूब होती है रबीसा, कॉन्सेंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब होती है, ग्राम पर डीएम क्यूब है, ये मास को उसने घुमा के दिया आपको, अब मुझे बताओ जब तुम्हें मोल्स पता हो और मास पता हो तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ओवर एमआर, तो क्या मैं एमआर निकाल सकता हूँ यहाँ पर, बोलो मास ओवर मोल्स, बेटा एमआर निकाल सकते हैं, बिल्कुल, एमआर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ओवर मोल, अब देखो इसमें एमआर निकलवा लिया उसने, मास ओवर मोल सॉल्व करो, मास कितना है 8.50 और मोल कितने निकाले तुमने 0.0965, जी कितना आ रहा है 88.06, 88.08, 88.06, यानी होल नंबर में समझ, वो 88 ही समझ लो ना, होल नंबर में 88 आ गया, यस और नो, यस सर, ओह यस और नो बेटा, चलो यहां पे समझ आया कि एमआर कैसे निकला, आयुष खान, बरा, अबीर, जारिश, अरहम, आहद, यस सर, नहीं सर, ये जो पिछला ढूंढा था 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 3, ये उसके लिए नहीं यूज हो सकता, किसके लिए बेटा, ये एमआर ढूंढने के लिए, एमआर के लिए, हाँ जी, मतलब किसमें, मोल की जगह, मोल की जगह पर, हाँ जी, या मास की जगह, मोल की जगह पर, बेटा कैसे यूज होगा, देखो ना ये 8.50 ग्राम एक डीएम क्यूब में है और ये वाले जो मोल हमने निकाले थे ये एक डीएम क्यूब के मोल थे, सही सर, ये है ना एक डीएम क्यूब मोल, ये सुनो ये तो 25.9 सीएम क्यूब वाले थे, क्लियर, जी ठीक ठीक हाँ जी, आमतौर पे देखो इस पैटर्न, इसके ना क्वेश्चन के पैटर्न को समझो, यूजुअली पिछले आंसर का आगे फॉरवर्ड हो रहे होते हैं, चले अब यहां से कुछ नया पार्ट आया, द जनरल फॉर्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड, अब ऑर्गेनिक एसिड की जो बात कर रहा है, कौन सा एसिड पढ़ा है आपने ऑर्गेनिक में, विच एसिड यू हैव स्टडीड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप देख रहे हो CO2H लिखा हुआ भी है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन, एन यानी कार्बन कितने, ये पता करें इन द फॉर्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड आर, ठीक है, कैसे पता करेंगे, ये लिखा हुआ देखो CnH2n+1, सॉरी CnH2n+1 CO2H, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास 88 है, डू यू एग्री, यस यस, ओके डू यू एग्री, यस, अब अगर मैं इसमें से ये निकालना चाह रहा हूं तो मैं क्या करता हूं, इस वाले मास को इधर ले आके माइनस करा देता हूं, CO2H का मास को मुझे पता है ना, तो मैं क्या करता हूं CnH2n, CnH2n कॉमन सेंस कॉमन मैथ्स है, CnH2n+1 ऐसी छोड़ देते हैं और ये CO2H का मास कैलकुलेट करें, 12 + 16 × 2 + 1 = 88, तो ये बनेगा 45, CnH2n+1 + 45 = 88, अब 45 को उधर ले आके माइनस करा दें तो CnH2n+1 88 माइनस 45 करो कितना आ रहा है 43 आ रहा है जी, 43 आ रहा है, ओके, अब मुझे बताएं अगर एक कार्बन हो तो इसके साथ हाइड्रोजन कितने होने चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस जनरल फॉर्मूला, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 2n+1 के हिसाब से, अरे 2n+1 है ना भाई, 2n+1 है, अगर कार्बन का नंबर एक होगा तो हाइड्रोजन का नंबर डबल करो, डबल का मतलब 2+1 तो कितना हो गया 3 हो गया ना भाई, एक कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन होने चाहिए थे, यस और नो, अगर दो कार्बन हो तो कितने हाइड्रोजन होंगे, दो कार्बन हो तो कितने हाइड्रोजन होंगे 5, अगर तीन कार्बन हो तो कितने हाइड्रोजन होंगे 7, अब जरा इसका मास देखो कितना बनता है, क्या इसका मास 15 बनता है, क्या इसका मास 15 बनता है, कार्बन का मास 12 और हाइड्रोजन का मास 3, 12 + 3 = 15, अगर इसका मास कैलकुलेट करें 24 + 5 कितना बनता 24,
39, इसका मास कैलकुलेट करें तो तीन कार्बन का मास 12 इंटू 3 36, और 36 और 7 43 बनेगा, यस और नो? यस यस। तो एन की वैल्यू क्या हुई बेटा, एन की वैल्यू क्या हुई, 3 हो गई। भाई हमने सी एन एच टू एन प्लस वन का मास निकाल लिया जो 43 के बराबर आया। अब हमने कहा जब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर एक कार्बन होता तो मास बचता 15, दो कार्बन अगर यहां आ रहे होते तो मास होता 29, तीन कार्बन 7 आर डी तो मास होता 43, तो हमारा मास 43 बच रहा है, यस और नो? ठीक है। अब कहता है डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मूला बताइए क्या बनेगा, सी थ्री H7 CO2H, इस तरह भी लिख सकते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी लिख सकते हो C4H8O2, ऐसे भी लिख सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्म में। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर जी। अच्छा अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, आखिरी पार्ट बाकी है। अ सैंपल ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड, अब देखो थ्योरी आ गई, अ सैंपल ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड was reacted with ethanol. हाँ भाई, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड एथेनॉल से रिएक्ट करता है? C3H7CO2H, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया है आपने? Which कार्बोक्सिलिक एसिड is this? Butanoic acid. And this is ethanol. कहता है in the presence of small volume of concentrated sulfuric acid to give an organic product T. कौन सा organic product बनेगा जब इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराएंगे तो? इथाइल ब्यूटाइल कौन सा? अरे अरे एस्टर बनेगा ना, फंक्शनल ग्रुप कौन सा, ग्रुप कौन सा होगा एस्टर, और कंपाउंड का नाम क्या होगा? ब्यूटाइल सल्फेट, इथाइल ब्यूटेनोएट, इथाइल ब्यूटेनोएट, इथाइल ब्यूटेनोएट, और इथाइल ब्यूटेनोएट का फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला कैसे लिखोगे? C3 H7CO2C2H5, yes or no? Ethyl butanoate. चलो, to which homologous series does this T belong? कौन सी homologous series से belong करता है? Ester से। बेटा 13 out of 13 का पेपर सॉल्व हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या देखते हैं बेटा, याद रखें ये सॉफ्ट कॉपीज मैंने शायद पहले भी आपके ग्रुप पे शेयर की हुई है, हर साल कोई भी पेपर निकालेंगे उसमें ये सवाल आपको मिल जाएगा, हर साल आपको ये सवाल मिलेगा। आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, ये वाली डायग्राम सवाल में बनी हुई होती है। तो मेरे बच्चे मैं रिकमेंड करूंगा कम से कम 15 सवाल आप इसके कर लें, ठीक है, कुछ पार्ट अटकते हैं ग्रुप पे डाल के एक दूसरे से सॉल्व कर लें ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। ये एक कॉन्फिडेंस हासिल करना जरूरी है, ये बड़ा सवाल होता है, कम से कम 8, 9, 10 मार्क का तो होता ही होता है, ठीक है। अगर आप इन सवालों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम से पहले इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक दिन में 15 सवाल 16 सवाल कर लें, तो यही टाइम है इसको यूज करें और कम से कम 15 सवालों की प्रैक्टिस करें। समझ आया मोल के सवाल कैसे आते हैं एग्जाम में, कुछ नए पार्ट आ जाते हैं बट वो थ्योरी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है जी। तो मैं दोबारा रीशेयर कर देता हूँ इन फाइल्स को, और इन फाइल्स में आपने हर कोई भी पेपर खोलेंगे तो उसमें आपको ये सवाल नजर आ जाएगा, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। यस चलो सर।